होंगे जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं मीटिंग में सभी का स्वागत है। वेलकम आज के टेक्निकल सेशन में। जैसा कि आपको सबको पता है सैटरडे अपना टेक्निकल सेशन होता है और बाकी दिन प्लान प्रेजेंट होता है। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं मीटिंग में सबका स्वागत है, वेलकम है। जो भी आपके नियर डियर हैं उनको आप इन्वाइट कर सकते हैं, बस एक दो मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। भी दोस्त कनेक्ट हैं और जो भी भाई लाइव आना चाहे आ सकता है, एक छोटा सा मीटअप रहता है अपना। सिराजुद्दीन खान भाई कैसे हैं? दोस्त हैं कनेक्ट हो चुके हैं और एक बार रिमाइंड डाल दीजिए, बस मीटिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कौन कौन लाइव हैं दोस्त, जो भी लाइव आना चाहे आ सकता है। कनेक्ट हैं अपने साथ प्रवेश सांगवान। प्रवेश कैसे है भाई? बढ़िया बढ़िया। हीरालाल झारखंड, हीरालाल अरे आज तो छोटी भी साथ में है प्रवेश, है सोई नहीं है क्या? हैप्पी बर्थडे बेटा, दो दिन पहले बर्थडे था बेटे का। हेलो, थैंक यू। कैसे है बेटा? अच्छे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पापा के साथ आप भी मीटिंग को एंजॉय कर रहे हैं? आज पूरी फैमिली मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। हाँ पूरी फैमिली पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया भाई ने भी। लाइक पूरी फैमिली के साथ अपने और भी जयराम भाई भी आते हैं, बबलू भाई भी आते हैं और भी छह सात दोस्तों ने स्टार्ट कर दिया है। आज तो करीम भाई जो बांग्लादेश से, करीम भाई फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ। कैसे हैं करीम भाई? बच्चों के साथ बैठे हैं आप भी? हाँ जी सर। अर्निंग अच्छी हो और बांग्लादेश में सब खैरियत? जी सर सभी अच्छे है सर। ए मेरी बेटी है। ए अरे वाह, कैसे है बेटा? बच्चे एक साथ में दो हैं, एक साथ में बैग में और भी है, उनको भूल गए क्या? ये बड़ा ये छोटा? ओके ओके बढ़िया। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली करम भाई। जी सर थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है यार। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह की गुड़िया भी साथ में है शायद, लगता है जी। महेंद्र भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। अरे आज तो मतलब बच्चों को साथ में लेके बैठ के मतलब एंजॉय करते हैं सब मीटिंग का। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया है सर। होना भी चाहिए। वैसे नहीं तो थोड़ा सा ये तो पता चले रे पापा किस टाइप का प्रोजेक्ट करते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, तभी नहीं तो आगे चल के उनको रियलाइज होगा कि हाँ ये टेक्नोलॉजी भी कुछ चीज है। सर सर बच्चों को अपन सिखाएंगे तो इनका भी फ्यूचर थोड़ा ब्राइट रहेगा ना? बिल्कुल 101% रहेगा भाई। धन्यवाद धन्यवाद महेंद्र भाई, और एंजॉय कीजिए मीटिंग को। थैंक यू सर। देव शरण देव भाई भी मीटिंग में आ चुके हैं। देव भाई कैसे हैं? जी देव भाई कहां से हैं? अच्छा क्रिप्टो हब से हैं। सूरज गुजरात क्रिप्टो हब बोला जाता है अपने इंडिया में। और कैसा चल रहा है रोल क्यू का सफर? मस्त। आज थोड़ा सा दोस्तों आंखों में प्रॉब्लम था तो
मिराज भाई को ही बोला है मीटिंग हैंडल करने के लिए, शायद आ भी चुके हैं जी। मिराज भाई कैसे हैं? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? क्लियर क्लियर है भाई। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा हूँ अनिल भाई। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज, और उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज अनिल भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सब दुआ करें उनके लिए कि वो थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए, मौसम बदल रहा है। आप कोई बात नहीं अनिल भाई, आप प्रेस कर लेंगे, आज की मीटिंग में मैनेज करता हूँ। मैनेज करता नहीं हूँ आज, मैं मैनेज, आज मैनेज करवाता हूँ मैं आज मीटिंग, देखता हूँ कितने लोगों ने हमारी ट्रेनिंग लेकर के आज क्या सक्षम किया। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर। और आज स्पेशल क्या बोलते हैं, जयराम भाई ने भी बोल रखा था, उनको चेक करो ना। जयराम भाई को मैं ले लेता हूँ लाइन पे। जयराम भाई ने अगर एक भी मिस्टेक की तो फिर उनको फिर मैं पनिश करने वाला हूँ। फाइन लगेगा। ऑल राइट, ठीक है, मैं जयराम भाई से भी कनेक्ट कर लूंगा। आप रिलैक्स रहिए, अगर आप बन पाए मीटिंग में तो रह लीजिएगा। कोई खास अपडेट हो तो दे दीजिएगा, कोई खास अपडेट हो तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने आज बैक टू बैक मेरी कई सारी मीटिंग्स थी तो मैं ज्यादा टाइम स्टडी में नहीं दे पाया हूँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर ले लेंगे और कुछ टेक्निकल्स देख लेंगे। बाकी जयराम भाई तो अपडेटेड होंगे, आज थोड़ा सा कोट पैंट पहन के बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हैं, हर रोज हमारे साथ मीटिंग में बैठते हैं, हम उन्हीं में से कोशिश कर रहे हैं कि हम सोचे जा रहे हैं कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हम ज्यादा एडवांस हैं, पर हमें लगता है कहीं ना कहीं हमसे भी एडवांस, हमसे भी ज्यादा स्मार्ट लोग जो है हमारे साथ बैठते हैं, और कहीं ना कहीं उनको हम मौका नहीं दे रहे हैं, उनको चांस नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने का, बोलने का, करने का। तो ये हमें अपनी गलती का रियलाइज हुआ है, उसके लिए हम चाहते हैं कि सबको बोलें कि भाई आओ, आप करो, आप शुरुआत करो, आप भी आगे बढ़ोगे, आप भी हो सकता है हमसे कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर रहे होंगे और हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जयराम जी ने अपनी तैयारी की है, तो हम कोशिश करेंगे आज जयराम जी को थोड़ा टेक्निकल स्टार्टअप दें, और फिर धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज कुछ नई चीज यहाँ से हम सबको सीखने को मिले, हम सबको करने को मिले। तो जयराम जी को मैं देता हूँ, और मैं देखता हूँ मैं भी कुछ, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल मैं भी नहीं सीख रहा हूँ आजकल, मैं अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो आज मैं भी सीखने के लिए बैठा हूँ। तो मैं जयराम जी को अभी फिलहाल अनम्यूट कर रहा हूँ, और जयराम जी से कुछ टेक्निकल सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पे अपन जो है वो वन बाय वन चलेंगे। राइट, जयराम जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते सर जी, कैसे हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। पहला दिन है सर, थोड़ा कुछ चूक होगा, आप संभाल लेना, ये गलती फाइन चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। इतना हाँ। दिन से जो आप सीखा आपसे, दस लगेंगे एक मिस्टेक पे, आप चलेगा सर। चलिए शुरू कीजिए। आप स्क्रीन शेयर करके कुछ करना है शेयर, या फिर आप वैसे ही कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं? क्या तैयारी क्या की है आपने, क्या मतलब, जैसे अगर आप टेक्निकल कर रहे हैं आज, तो आप टेक्निकल में कोई भी मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसका जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। अच्छा, आप कुछ नई चीज सिखाओ ना हमें, कुछ ऐसे जैसे जो आपने देखा हो, हमें भी लगाओ कि हम शायद कर पाए नहीं कर पाए। अपनी अपनी जयराम भाई, अपनी मीटिंग में डेली जो आपको कुछ अच्छा ऐसा लगा हो कि मीटिंग से अलग हटके हो, आप जिस चीज को शेयर करना चाहें, और दोस्तों आपको भी अगर लगता है ना कि मीटिंग में ये होना चाहिए टेक्निकल में, तो आप भी सुजेशन दे सकते हैं उसके रिगार्डिंग। आप फंस जाओगे जयराम जी अगर पब्लिक का क्वेश्चन ले लोगे तो। पहला क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा फिर आपसे। चलेगा सर जी, चलेगा। ओके ऑलराइट, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है वो उठाना शुरू करते हैं हम लोग, जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो पहले लेते हैं, सबसे फर्स्ट में हैंड रेज कर रखा है सिराजुद्दीन खान ने, मैं आपको अनम्यूट कर रखा हूँ। सिराजुद्दीन जी आप बात कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सिराजुद्दीन भाई, कैसा चल रहा है आपका काम? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो मिराज भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। जी आज के टेक्निकल सेशन में क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? टेक्निकल सेशन में कल भी मैंने क्वेश्चन किया था मोहित और अनिल साथ है, वो रोल क्यू के रिगार्डिंग जो मेरे अप्लाई उनका
अकाउंट डिलीट कर दिया, रोल क्यू डिलीट कर दिया, उस वजह से हमारा रोल क्यू नहीं खुल रहा। अच्छा, उसके रिगार्डिंग फीडबैक मिला क्या? सही फंसे। जयराम जी आ जाओ, आपकी बारी है। सही टेक्निकल आया आज। जयराम जी सर, जहां तक मैं जानता हूँ, स्क्रीन शेयर करके बताऊंगे सर। सर आपके अप्लायंस ने अपना अकाउंट डिलीट किया या आपका अकाउंट डिलीट किया? उन्होंने उनका खुद का अकाउंट डिलीट किया, तो हम जो भी जितने भी उसके डायरेक्ट है ना चार जने, हम चारों का लॉगिन नहीं हो रहा है, वजह यही हो रही है। और हमारे जो डायरेक्ट उनका खुल रहा है, हमारे जो डायरेक्ट है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अकाउंट डाउन मतलब डिलीट करने से अपने अकाउंट को ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इसमें। सिराजुद्दीन भाई आप अपना एक बार ओपन करके दिखाओ, क्या एरर आ रहा है वो पता चलेगा। पोस्ट कीजिए सर, पोस्ट कीजिए सर, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अनिल जी एक बार होस्ट बना दीजिएगा। जी सर, आ गया सर स्क्रीन। बिल्कुल सर, ये रॉयल क्यू खोलो। बिल्कुल, तीन चार दिन से यही प्रॉब्लम हो रही, चार दिन से एक देखना अभी थोड़ा खुलता है वापस। ये अपने इसको बस, ये इससे आगे नहीं जा रहा, खुलते नहीं। सर ये बोल रहा है प्लीज लॉग इन अगेन। आपने कल अनिल भाई ने आपको बताया था कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपने किया? जी किया, वो परसों किया था, परसों ही बताया था, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, नहीं खुल रहा, बस ये इतना ही हो रहा। किसी और का अकाउंट ओपन करके देखो। जी बिल्कुल, आप अपना मतलब किसी और का अकाउंट यहाँ पे ओपन करके देखिए। किसी और का तो हो जाएगा, लेकिन जैसे मेरा नहीं हो रहा है, और जो मैं जिनके डायरेक्ट हूं ना, आप समझे नहीं, जैसे मान लो मैं हूं उनके डायरेक्ट, और भी दोस्त है, उनका भी नहीं खुल रहा जिन्होंने अकाउंट डिलीट किया ना। सिराजुद्दीन भाई आपका कहना ये है, आपके अपलाइन ने, आपके अपलाइन ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है जी सर। उसकी वजह से आपका उनका अकाउंट भी लॉगिन नहीं होगा क्योंकि डीएक्टिवेट हो गया, और उसकी वजह से उसके डायरेक्ट में जितने भी अकाउंट थे वो भी लॉगिन नहीं हो रहे हैं, है ना जी। चार जने हम डायरेक्ट है, चारों का ही नहीं खुल रहा, बाकी हमारे डाउनलाइन का खुल रहा है। सर सुनिए ना सिराजुद्दीन भाई, पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ एक बार वो सुनिए। डीएक्टिवेट किया है उसके डायरेक्ट में कितने हैं? चार जने सर हम डायरेक्ट, उसके डायरेक्ट में चार जने हैं, चारों का ही नहीं हो रहा है। और सर वो कल V2 भी निकल गए अपलाइन, एक बंदे ने मतलब 14 डायरेक्ट किए थे, उनके जो टोटल उनके 20 हो गए। वो एक अलग मैटर, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है। आपने कल भी पूछा था और मैंने बताया था कि इसका सुजेशन लेके टीम जी जो टेक्निकल टीम है फीडबैक डाल के अपडेट लूंगा, लेकिन लिया नहीं। जैसे कि बताया आज दिन में थोड़ा तबीयत डाउन था तो रेस्ट पे चल रहा था। मीटिंग के लिए मैं स्पेशल आया हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के कि एडजस्ट करेंगे, चाहे तबीयत इसका बोल रखा है कि इसका सॉल्यूशन जो होगा ना वो बैकएंड से होगा सिराजुद्दीन भाई इसका, क्योंकि ये टेक्निकल जो है वो बैकएंड का काम है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, आप खुद टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो सर मैं अनित चौधरी की टीम से हूँ, अनित चौधरी जो देहरादून से है ना V5, उनकी टीम से हूँ, तो उन्होंने फीडबैक लिया हमारे दोनों चारों जनों का, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड लिया, और वहाँ पे मलेशिया इनको जो फीडबैक लिखते ना कैसे डाल दिया, तो उन्होंने ईमेल आईडी मांगी थी आज, पासवर्ड ईमेल आईडी मांगी थी, तो बोले हो सकता है इवनिंग तक पहुंच जाएगा, लेकिन इवनिंग नाइट वेट कर लो, वो वहीं से ही सॉल्यूशन होगा उसका। हो सकता है पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है फीडबैक में, मेल आईडी ही से ही काम चल जाता है। सर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, जहां नहीं सर आज मीटिंग आपकी, आप पूरा डिस्टर्ब करो हमें, आज आपकी के हाथ की मीटिंग है, हमें आपसे परमिशन लेनी चाहिए बोलने से पहले। अपन अगर लॉजिक जी सर, अगर
सर अगर अपन लॉजिक वे में जाते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है मेरे हिसाब से कि मतलब उसका नीचे या ऊपर वाला कोई डिलीट कर दे अपना अकाउंट तो मेरा भी बंद हो जाए। अगर ऐसा होने लगेगा तो रॉयल क्यू को तो बंद होते देर नहीं लगेगी, कोई भी आके किसी का अकाउंट डिलीट करने लगे और बाकी लोगों का बंद होने लगे तो डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो खुद कह रहे मतलब हमारे साथ पहले कभी हुआ था ऐसा जो वापस फीडबैक किया तो उनका दो दिन में हो गया। तो मैं इस मीटिंग में अनिल सर से पूछता हूँ क्या ऐसा कभी हुआ अपने टीम में रिगार्डिंग मेरे साथ तो नहीं हुआ है सिराजुद्दीन भाई, देख रहे हैं किसी टीम के साथ हुआ है क्योंकि मेरी टीम डे बाय डे जो आइडिया है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट करने की कोशिश कर रही है, डिलीट किसी ने नहीं किया है। डिलीट किया होता तो क्वेश्चन बनता था, अब आप पहले इंसान है जिन्होंने मीटिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। यार सिराजुद्दीन भाई यार इतना कुछ नहीं होना था, उसे अपने अपलाइन को बिठा के उसको 10-20 रुपए दे करके पटा लेते यार, क्या आपने उसके अकाउंट डिलीट करने के लिए क्यों उसको कन्विंस कर लिया और अकाउंट डिलीट कर लिया। अगर आपका अपलाइन अकाउंट डिलीट करने की क्या जरूरत है, आप उसको अनइंस्टॉल कर दे बस खत्म। चलिए वो इशू तो अब दूसरा हो गया, कल उसको अकाउंट उनको नॉलेज नहीं थी, बाय मिस्टेक उन्होंने डिलीट कर दिया। अच्छा बाय मिस्टेक हुआ। अच्छा चलो कोई नहीं, वो आपका सोल्यूशन जो सिराजुद्दीन भाई वो आपका उधर से हो जाएगा, वो सोल्यूशन तो यहाँ पर अभी हम लोग तो सिर्फ बात ही कर लेंगे उसके बारे में सोल्यूशन नहीं। कल अपडेट लेके देता हूँ मैं और माफी चाहूंगा, कल मैंने बोला था आपको तभी डाउन होने की वजह से नहीं कर पाया मैं, फीडबैक ले नहीं पाया, तो आपको कल या परसों मीटिंग में आपको मैं आपका इसका रिप्लाई जरूर दूंगा कंफर्म करके जैसे भी बनेगा। ठीक है, और आपको अगर मिल जाता है, आपको अगर वहां से आ जाता है रिप्लाई तो आप उसे प्लीज मीटिंग में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि एक यूनिक कंसर्न है वाला। हाँ अलग से है थोड़ा सा हटके है। हाँ जी मैं कल बता दूंगा इंसान को इतना कुछ। चलिए ठीक है ना, ओके ओके सर। ये थोड़ा सा जैसे कि क्या बोलते हैं जयराम भाई ने बताया, लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। मान लो गलती से अपलाइन ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, चलो एक अलग बात है, लेकिन जो उनके डाउन में है उनका तो एक्सेस होना चाहिए, लॉजिक तो ये बनता है सही। बाकी फिर भी अगर वो उसमें अनिल भाई कोई मैं बोलने जा रहा था, टेक्निकल कई बार क्या होता है जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग में कई बार ऐसा, क्योंकि उन लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस रहा होगा ये वाला कि अगर ऐसे एक्टिव अकाउंट को अगर हम करते हैं तो कई बार कोडिंग में आता है बार बार ऐसा कि बाद में वो हो सकता है, वो कर देंगे ठीक, टेक्निकल को इतना बड़ा पार्ट नहीं, वो ठीक हो जाएगा आपका। वो अगर होगा भी ये तो उनके सिस्टम का एरर होगा जो उनको ठीक करना पड़ेगा। और सर मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप दूसरे फोन में भी जरा एक बार अपना सेम आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करके कोशिश करें। हाँ किसी और के फोन में भी ट्राई कर लेगा। उन्होंने क्या किया वो अलग बात है सर, आप क्या करें एक बार आप जरा दूसरे फोन में दूसरे किसी के फोन में उसको आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करने की कोशिश कीजिए और जो एरर आता है उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेके रॉयल क्यू को छोड़ दीजिए, वो बहुत जल्दी स्पीड में मतलब जवाब देते हैं रॉयल क्यू वाले। जैसे आप में तो बिल्कुल ये सही लॉजिक की बात है इनकी सर की। देखिए मैं काम करना चाहता हूँ रॉयल क्यू में और मेरे अपलाइन है मुरली सर, मुरली सर अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरा भी ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मिराज भाई ने बताया कोडिंग में दिक्कत हो सकता है ऐसा एरर, तो वो हो जाएगा ठीक। चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं हरिलाल जी। हरिलाल जी मैं आपको एक बार थैंक यू हरिलाल जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हरिलाल जी झारखंड से, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? सर जी हरिलाल जी आज के हमारे जो मीटिंग को मैनेज कर रहे हैं टेक्निकल जयराम जी हैं, तो जयराम जी से आप किसी भी तरह का टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। कौन किस सर का है सर? हीरालाल जी, ये हीरालाल जी। जी जी हीरालाल जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी आप। जी सर
सर मुझे तो पता नहीं किसे होगा सर, थोड़ा सा सर देखिए जो आपका वीडियो दिख रहा है ना, वीडियो के बगल में एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, स्क्रीन पे टच करिए, मेरे चेहरे के ऊपर टच करिए, तो वहां पे आपको शेयर का ऑप्शन एकदम बीच फोन के बीचों बीच में नीचे दिख रहा है। राजू भाई खड़े खड़े स्माइल दे रहे हैं, जब जरा भाई ने बोला ना कि मेरे चेहरे पे टच कीजिए। सर हो रहा है क्या? सर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आपने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया जी, आप बैक ले लीजिए जरा एक बार, ये देखिए जो शेयर का ऑप्शन है ना उस पे क्लिक करिए। नहीं नहीं आप बैक लीजिए, सर आप बैक लीजिए। बैक तो ले रहा हूँ सर। कंसर्न क्या है सर आपका, एक बार कंसर्न बताइए, आपका कंसर्न क्या है? इसको इसको क्लोज कीजिए सर, जो शेयर का है उस पे क्लिक कर दीजिए, बंद है बिल्कुल। अभी शेयर पे वापस क्लिक करिए सर, क्या दिख रहा है सर शेयर पे क्लिक करने के बाद? सर शेयर पे क्लिक मत कीजिए, आप सिर्फ ये बताइए आपका कंसर्न क्या है। अच्छा सर, मेरा सर $500 मेरा ये है, क्या है हम लगाए हैं अकाउंट, ठीक है जी, तो उसमें मैं वही बताना चाहता हूँ मेरा किस तरह से बेनिफिट मेरा अच्छा हो, हमको जानकारी नहीं है। आपके अपलाइन से आपने बात की थी, आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया था? जी सर। तो उन्होंने आपको बताया नहीं ज्वाइन कराने से पहले? पंकज सर बताया है अभी मार्केट डाउन जा रहा है तो उसमें बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है। वही है सर, सबके साथ ही है, हम भी वही बताएंगे आपको जो आपके अपलाइन ने आपको बताया ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपके वो पैसे को डबल कर देंगे अभी हैंड टू हैंड, आप फोन ऑन करोगे डबल हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके अपलाइन ने आपको सॉल्यूशन दिया है, कोई टेक्निकल इशू आपको आ रहा है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं सर ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं ना, बस नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप नए हैं और मार्केट डाउन जा रहा है तो आपके लिए ये गुड लक है सर, क्योंकि कम रेट में ज्यादा क्वांटिटी बाई होगा और यहाँ से अगर मार्केट पंप करेगा तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। जी सर ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे साथ में संदीप, क्या नाम है संदीप जी, संदीप जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? संदीप जी शायद नहीं है लाइन पे अभी। नमस्कार मेरा सर। नमस्कार नमस्कार संदीप जी, आप दो संदीप हैं यहाँ पर, अच्छा संदीप मुखाड़े जी और संदीप कुमार जी। चलिए अभी हमारी बात हो रही है संदीप कुमार जी से। संदीप कुमार जी कैसे हैं? नमस्कार। बढ़िया सर, नमस्कार, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आज के हमारे होस्ट हैं जयराम जी, तो आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो जयराम जी से आप बात कर सकते हैं। नमस्कार जयराम जी। नमस्ते सर जी, बताइए क्या समस्या है? सबसे पहले तो बधाई हो सर आपको, फर्स्ट आपका टेक्निकल सेशन है उसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरुजनों से अनिल सर, मोहित सर और मिराज सर से सीख करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि मतलब मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे तीन गुरु हैं और तीनों गुरु से सीख के आज मैं इतना मतलब दम भरता हूँ कि कोई भी टेक्निकल मुझे पूछे और मैं हर चीज का बखूबी जवाब दूंगा, मैं अपने गुरु लोगों का सर नीचा नहीं होने दूंगा। अभी तो मैं नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में आऊंगा तो पूरा पूरा प्रेजेंटेशन के साथ आऊंगा सर। हमारी शुभकामनाएं है सर, आप बहुत अच्छे से करो, और आप जो कर रहे हो ये पहल कर रहे हो इस मीटिंग में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि औरों को भी प्रेरणा मिलेगी इससे। बिल्कुल बताएं सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप कई बार स्क्रीन शेयर करते हो और आपको जैसे बेनिफिट प्रॉफिट दिखाते हो, $50 आया, कभी 40, कभी $100, तो वो ट्रेड सेटिंग आप कैसे करते हो और कितना बैलेंस से आप करते हो उसका डाउन मार्केट के अंदर? सर रॉयल क्यू की जो सेटिंग है कम से कम 1,00,000 टाइप की सेटिंग कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है, मिनिमम $100 से लेके और
जितना आपके पास पैसा हो, मिनिमम $100 से लेके करोड़ों डॉलर तक का आप सेटिंग लगा सकते हैं रॉयल्टी में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फंड कितना है और कितने परसेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास $100 है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि जैसे मान लीजिए कि मतलब कितना परसेंट मार्केट डाउन जाए तो मेरा ये $100 काम करता रहे, उसके अकॉर्डिंग आप। सर एक मिनट मैं रोकूंगा आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हम जैसे डाउन आई हुई मार्केट, अभी जैसे आप बीच बीच में स्क्रीन शेयर करते थे कि मैंने आज इतने डॉलर कमाए हैं, $100 या $50 या $60 ऐसे है, आप कौन सी सेटिंग करते थे कि एक दिन में आप इतना कमा लेते थे, वो जानना चाह रहे हैं आपसे। जैसे मान लीजिए लगाते थे उसमें, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बताता हूँ उसमें क्या रहता है। जैसे अनिल भाई बार बार आप अनिल भाई के चैनल में है, हाँ जी, वहां पे हमेशा बोलते हैं कि रिजर्व USDT रखिए, एक्स्ट्रा फंड लेके ट्रेड लगाइए, मार्केट डाउन जा सकता है, मार्केट डाउन जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास $4,000-5,000 का फंड है, ओके, ठीक है, और आपने चार क्वाइन में ट्रेड ले रखा है, ठीक है, ओके, आप बैनांस पे जाके कैंडल चेक कर सकते हैं, कैंडल, ठीक है सर, कैंडल चेक करते हैं और मान लीजिए कि आपने BTC में ट्रेड लिया हुआ है, आज BTC 39 पे चल रहा है, ठीक है, आपने कैंडल को चेक किया और आपको ऐसा लगा कि नहीं BTC यहाँ से 45 पे जाने वाला है, ठीक, और आपके पास रिजर्व में $2,000 का फंड पड़ा है जो मतलब जिसमें ट्रेड नहीं चल रहा है, ठीक है, ओके, वहां पे आपने BTC में जाके ट्रेड सेटिंग में जाके जैसे मान लीजिए कि 10 मार्जिन कॉल BTC ने आपका उठाया हुआ है, एग्जांपल, ओके, अब यहां से आपको पता है कि 11वीं मार्जिन कॉल पे जो है मुझे क्या करना है, मेरा मार्केट ऊपर जाने वाला है, 10 मार्जिन कॉल लिया है, तो मैं यहां से जब सेल करेगा तो पहले 10वीं करेगा, 9वीं करेगा, 8वीं करेगा, 7वीं करेगा, बराबर, हां सर पता है, तो वहां पे जो मतलब आपका ऊपर का जो सेटिंग है वहां पे जैसे मान लीजिए ऊपर आपने फर्स्ट बाइंग 10 रखा है, 10 या 20 रखा है, 50 रखा है, अदरवाइज जो भी रखा है, तो आपको ऐसा सेटिंग करना है कि जब नेक्स्ट बाई करे तो कम से कम $500 उठाए एक बार में, क्योंकि आपको पता है कि ये मार्केट यहाँ से मतलब आज ये BTC में पंप डंप होने वाला है, या सपोज करिए कि आपके पास $4,000 है, आपने ऐसा उसकी सेटिंग लगा दी कि एक कॉल उठाए तो $1,000 उठाए, तो जब वो $1,000 उठाएगा और जब वो $1,000 को बेचेगा, $1,000 पे बाई सेल करने लगेगा, तो एक बार में $1,000 का कम से कम $15 तो देगा एक बार में। तो जैसे मान लीजिए दिन भर में चार बार भी अगर पंप डंप कर गया BTC तो 15×4 को $7 का प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये हायर रिस्क में आता है सर। जैसे मान लीजिए आप कैंडल देख के गैस तो कर लिए, और अगर कहीं आपका अंदाज चूक गया और वहां से मार्केट ऊपर जाने के बजाय लगातार नीचे भाग गया, तो आपके $2,000 फंस जाएंगे और $60 की जगह आपको प्रॉफिट भी नहीं आएगा और $2,000 भी मतलब अटक जाएंगे कुछ दिन के लिए जब तक BTC ऊपर नहीं आता, तो ये जो लेनी पड़ेगी तभी हो पाएगा ये तो अच्छे से। बिल्कुल सर, तो ये जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो प्रॉफिट जो अनिल भाई बार बार मैसेज डालते हैं, एक्स्ट्रा USDT और बाई जून जो कॉल देते हैं वहां पे वो देते हैं, कॉल देने में जैसे जब भी अनिल भाई कॉल देते हैं हम लोग $1,000-2,000 वहां पे लगा के और अपना मतलब सेटिंग कर देते हैं कि इतने पे आकर के वो बाई हो जाए। अप मार्केट के लिए होता ना वो, तो नहीं नहीं सर, मार्केट अप मार्केट, ये देखिए अभी अनिल भाई ने इधर शेयर किया, थैंक यू अनिल जी, मैट्रिक ICP दिख रहा है सर, मैट्रिक के ऊपर है ये, एक बार बताना सर जैसे मैट्रिक के आगे लिखा हुआ 1.3 और 1.1 इसका कैसे है ये बताओगे एक बार। बिल्कुल सर, जैसे मान लीजिए ये सब जो चीजें हैं ये न्यू यूजर के लिए नहीं है सर, और जिसके पास ज्यादा फंड है, जैसे मान लीजिए आपने इसको कर लिया, करने के बाद भगवान न करे अगर यहाँ से अनिल भाई का अंदाज गलत निकल गया तो वहां पे आपका फंड थोड़े दिन के लिए स्टक हो जाएगा। नहीं, एक्स्ट्रा के साथ तो कर सकते हैं ना सर, आप एक्स्ट्रा लेके जैसे $1,000 रख लूं मैं एक्स्ट्रा के लिए तब तो कर सकते हैं उस चीज को। तो मैंने वही चीजें बताई सर कि आप ये दो ऑप्शन रहता है, एक तो जो अनिल भाई कॉल देते हैं उसपे,
और दूसरा आप जो अगर आपको क्वाइन का ज्यादा नॉलेज है, आपको लग रहा है कि पंप डंप करेगा तो मार्जिन कॉल में 500 या 1000 डॉलर देके आप कमा सकते। ओके, जो आपने बताया वो तो डाउन मार्केट के लिए है, जो अनिल जी कॉल देते हैं डाउन और अप दोनों के लिए। जैसे मान लीजिए डाउन मार्केट में तो कोई सेटिंग आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि लगातार डाउन 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 जाएगा तो सिर्फ फंड उठाएगा, बराबर। ओके, लेकिन जब जब मान लीजिए बीच में अभी कुछ दिनों से बीटीसी 39-40, रात को मैं उठ के देखा तो 40-500 पे गया था बीटीसी, ठीक है। तो 39-40 पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो मार्जिन कॉल पे डायरेक्ट 1000 डॉलर या 500 डॉलर, 200 डॉलर, 100 डॉलर का सेटिंग करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अचानक बीटीसी वापस 36 पे चला गया तो आपका 1000-2000 डॉलर कुछ दिन के लिए स्टक हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट आप आएगा आपका वो डॉलर निकल जाएगा, तो ये काफी रिस्की रहता है सर। ये तो एक्स्ट्रा के लिए कर सकते हैं हम ना। हाँ सर, संदीप भाई एक चीज रो रहे हैं यहाँ पे, हाँ सर बता देता हूँ। नमस्कार, जैसा कि जयराम भाई ने बताया जी। और आपने उनसे पूछा, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया जयराम भाई, थैंक्स। और यहाँ पर आपने पूछा 10, 20, 50, 100 डॉलर कैसे उनका जो है एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। जैसा कि भाई ने बताया कि आपके पास रिजर्व यूएसडीटी होना चाहिए, पहली थिंग तो ये, ठीक है। यस यस, दूसरी बात ये कि जो आपका पोर्टफोलियो, जो आपका पहले से ट्रेड लगा है, उस पोर्टफोलियो में से यूएसडीटी नहीं निकालना है, एक्स्ट्रा होना चाहिए उससे, एक्स्ट्रा होना चाहिए। और उसके साथ आपका, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे देखी उस तारीख को ये तीन कॉल दी थी, लाइक जैसे XSPA, मैटिक है और ICP है। अगर उस टाइम पे आपने इन तीनों का वो ले रखा था, ऐसे मीटिंग में आने से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ करके दिखाओ। कोई सुमेर गुजर के नाम से है भाई, मीटिंग में आके ऐसे टाइप करने से, हम आपको ये टाइप करने की अनुमति दे रहे हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, एक मिनट में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मीटिंग में लगातार 12 बजे तक हमारे साथ बने रहो और हम जो एक्सप्लेन करें उसको आप देखते रहो। भले ही नेगेटिव वे से आप मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे जरूर, मैं यहाँ से आपको बाहर निकाल दूंगा, टाइप करूंगा, तो आप मीटिंग में नहीं आ सकते। मैं चाहता हूं कि आप मीटिंग में आए और कुछ ना कुछ, यहाँ पे कम से कम 7 तो बैठे रहेंगे ना। मैंने आपको अभी वेटिंग लिस्ट में डाला था, इसलिए डाला था, और आपको आप ऐड इसलिए हुए हैं कि आप कम से कम ब्लॉक होने के बाद मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम उस दुख को महसूस करें जो हम बोल रहे हैं। ओके, तो संदीप भाई ये देखिए यहाँ पे जो मान लो आपने, मैंने यहाँ पे दिया था ICP, ठीक है। अनिल सर, मैं थोड़ा एक बार डिस्टर्ब करूंगा, आज बहुत बढ़िया सेशन अपना चल रहा है सर, तो इसको लाइव कर देते तो बढ़िया था। लाइव नहीं कर रहे यार, जरम भाई अभी याद दिला रहे हैं आप। सर मैं, मुझे अभी अभी ध्यान में आया, वो जो दूसरे भाई को आप समझा रहे थे ना वेटिंग में, तो मुझे लगा कि अगर वो वेटिंग में है तो अपना लाइव रहेगा, तो वहां भी जाके देख सकते हैं बेचारे, और अपनी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल है ना, फिर ये क्वेश्चन आंसर बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं बाद में भी। थैंक यू जयराम जी, चलो मैं लाइव कर दिया है भाई इसको, ठीक है। ओके, लीजिए भाई आपका जो मीटिंग है लाइव करके दे दिया है। अभी देखिए जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तीन कॉल दी है यहाँ पे, ICP, मैटिक और XXP, ठीक है। ओके भाई, इनके लिए आपने जैसे पूछा कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो 2000 डॉलर का है, 2000 डॉलर के अकॉर्डिंग आपने 4-5 कॉइन में ट्रेड लगा रखा है, तो आप इन कॉइन को नहीं लेना, इन कॉल को नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपके नए यूजर हैं, आप मीटिंग आपने किसी नई न्यू फ्रेंड को इनवाइट किया है, ठीक है, ओके, उनकी कॉल आप स्टार्टिंग इन कॉइन से करवा सकते हैं, तो जो कॉल यहाँ पे दी जाती हैं वो बेस्ट चांस रहता है उनका अप जाने का। अब मैंने कितने डॉलर पे डाला था,
आईसीपी 16.2 और 14.5 के बीच में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब हम जाते हैं आईसीपी, आईसीपी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 18.04 और ये कहां से जाके आया है? लास्ट प्राइस है इसका 12.49 24 घंटे का। लास्ट प्राइस डाउन कितना है? 16, 24 घंटे में इस प्राइस पे ही आया है ये 16 घंटे का, ठीक है। और बाइंग कितना डाल रखा है? 16.2। तो ये मैंने 3 दिन पहले शायद कल शाम को डाली थी। ओके, यहाँ पे आप 16.5 पे आपने एंट्री की होती तो अब तक आपका कितना प्रॉफिट हो चुका होता? $2 इंक्रीज है ये। और अब यहाँ पे अगर ये जो आपका जो है आईसीपी है, हमने यहाँ पे अगर आईसीपी में ट्रेड लिया होता और जैसा कि हमें पता था कि आईसीपी ऊपर जाएगा, ओके आईसीपी यहाँ पर, तो इसकी सेटिंग हम कैसे करते? यस नेटवर्क इशू हो रहा है क्या राहुल? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा आवाज क्लियर है ना? थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, आवाज ब्रेक हुई है। स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा जो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार अनिल जी, जैसे आईसीपी आपका आपने जैसे मैंने वहां पे डाल रखा है, अगर आपने यहाँ पे आईसीपी को उठाया रहता, अगर आपके पास फंड एक्स्ट्रा था और आईसीपी का ये कुल उठाया रहता 16.2 में एंट्री, ओके, तो आपको क्या करना था? ट्रेड सेटिंग में जाके और यहाँ पे फर्स्ट बाइंग आप जितना ज्यादा देते, मान लो आपको पता है ये कॉइन ऊपर जाएगा और आपके पास $500-$700 एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट 100 डाल के मार्जिन कॉल 7 टाइम रख के और इस तरह से इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेटिंग होती है अप ट्रेंड के लिए। यहाँ पे हम मैंने डाला 1 और यहाँ पे भी डाला 1, ये आप यहाँ पे कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सब मिन मोड जल्दी एक्टिवेट हो तो यहाँ पे कम डाल के चल सकते हैं, जो मिराज सर करते हैं सर्कल में वो आगे। हाँ बिल्कुल, वो भी डाल सकते हैं क्योंकि वो भी जो मिराज भाई का सर्कल है ना, वो 5 मार्जिन कॉल तक अप ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छी सेटिंग है। 1% में ही हो जाता है 4 कॉल मार्जिन। हाँ, बिल्कुल 1.5% में उनकी 5 मार्जिन कॉल हिट हो जाती है और वो अप ट्रेंड की ट्रेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट सेटिंग है वो। ओके, उसमें मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू मिराज भाई का सर्कल है उसके अकॉर्डिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये बेस्ट रहेगा। अपने को ज्यादा प्रॉफिट कैसे आएगा? $50 कर दिया आपने 0.5 करके। हाँ हाँ हाँ, कि अपना डॉलर कम यूज हो। ओके, ये फिर कैलकुलेट भी करेंगे ना इसको। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे मिराज सर के लिए, उनका जो सर्कल की सेटिंग है ना वो बहुत बेस्ट लगती है मेरे को, क्योंकि मैंने क्योंकि सर्कल और दूसरे काफी देखे हैं तो उनमें इतना नहीं है अच्छा मार्जिन प्रॉफिट आता और डीप तक कवर करता जितना इनका करता सर्कल। यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला था 100, ठीक है। ओके, फर्स्ट बाइंग अमाउंट 100 डाला था, 100 बाय कर लिया। 100 बाय करने के बाद 0.2 मार्केट डाउन हुआ तो $50 का ऑर्डर उठा लिया। ओके, फिर 50 का उठाया, फिर 50 का $250, 300, 400 और 100, 500, 550 तकरीबन डॉलर आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब आप चाहते हैं कि मार्केट मेरा कितने डॉलर तक कवर करे, यहाँ पे आप इसको वो एक की जगह 2 भी कर सकते हैं और लास्ट की जो कॉल है इनको आप 2-2 इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में भी अगर मार्केट 6-7% डाउन आता है तब अपना $500 बोट उठा लेगा।
और $500 का टेक प्रॉफिट रेशियो 1.1% भी मानते हैं तो कितना डॉलर आएगा एक ट्रेड से 500 के हिसाब से? हाँ ये तो नहीं पता भाई जी, आप ही बता दो। $100 के ही अकॉर्डिंग उठा लीजिए, $1% $100 का 1%, एक 500 का 5 हो गया ना। अगर $100 की अपनी दिन में 5 ट्रेड लग जाती हैं, 10 मिनट 15 मिनट अप डाउन रहता है, तो $5 आ गया 5 ट्रेड से। और अगर मान लो 5-7% मार्केट डाउन भी हो जाता है तो अपना पूरा $500 उठा लेगा, जैसे ही उन सेल करेगा एक ट्रेड से फिर 5 आ गया। अगर 10 ट्रेड भी ऐसी लग जाती है तो अपने पास $50 हो गए ना। और यहाँ पे जैसे आईसीपी हमने कितने पे बाइंग जोन डाली थी, 16.2 पे, और यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है अभी, ये तो दो एक ही दिन में हो गया $18। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कितना प्रॉफिट होता है यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा रहता। ओके ये चीजें होती हैं ज्यादा बेनिफिट लेने की। अभी जयराम भाई ऐसे ही करते हैं। और जयराम भाई ये भी बताना आप साथ की साथ है कि वहां पे आपकी ट्रेड जब आपने कोई भी कॉइन डाला और आपकी ट्रेड अपोजिट में चलनी स्टार्ट हो जाती है मार्केट, तो आपका कितने दिन प्रॉफिट रुक जाता है? जयराम भाई नहीं है तो सर, इसमें अगर जैसे डाउन आ जाए तो हमें जैसे फिर अटक जाएगा, इसमें बाहर निकलने का कैसे करेंगे फिर? अटक जाएगा बाहर निकलने का क्या है? जैसे आप बताओ भाई, मान लो हमने एक अनुमान लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट आ रहा है डाउन, तो जो हम रिकवरी करने के लिए एवरेज करने के लिए जो हर मीटिंग में बताते हैं सेम प्रोसेस इसमें लगेगा। मार्जिन कॉल में जाके अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो फिर मार्जिन कॉल में ही डालना है, मैनुअल बाय नहीं करना है। ओके यहाँ पर किसी भी कॉइन में जाइए, मान लो यही ले ले उठा लेते हैं जिसमें ट्रेड चल रहा है कोई भी, जैसे इथेरियम है, इथेरियम के ट्रेड सेटिंग में जाएंगे, मार्जिन कितनी मार्जिन कॉल उठी है इथेरियम में? 26। हाँ भाई, और 26 है, आपके पास मान लो $300 और बचे हैं, ट्रेड सेटिंग में जाएंगे, मार्जिन कॉल में जाएंगे, 26 के बाद जितने भी मार्जिन कॉल है उस फंड को इन मार्जिन कॉल में सेट कर लेना है, एक की तरह दो, एक की जगह दो डाल देना, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ऐसे करके वो $300 26 ले से लेकर 34 मार्जिन कॉल में आपको सेट कर देना है। जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा उससे आपका एवरेज भी होता रहेगा वो कॉइन, और फिर आपका ट्रेड भी नहीं रुकेगा। ओके हम एकदम से किसी कॉइन को मैनुअल बाय कर लेते हैं और मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो वहां पे आपका स्टक हो जाता है फंड। बेस्ट तरीका है मार्जिन कॉल में जाके और उस फंड को मार्जिन कॉल में, सभी मार्जिन कॉल में जितने भी आप लगाना चाहते हैं उनमें डिवाइड करके चलिए। उससे आपका क्या होगा, ट्रेड भी मार्जिन, जब भी हर ट्रेड के साथ हर मार्जिन कॉल के साथ एवरेज भी बनेगा, और अगर मार्केट वहीं पे डाउन रहता है तो उस फंड से आपका ट्रेड भी होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा निकलेगा। ओके भाई, लेकिन ये जो कॉल दे रखी है ना ये उन्हीं दोस्तों के लिए है, नए यूजर के लिए नहीं है, जो एक्स्ट्रा जिनके पास अगर फंड है तो उनका। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके थैंक्स भाई। मिराज भाई आ गए हैं क्या भाई? मिराज भाई अवेलेबल हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ संदीप जी, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ थैंक यू अनिल जी, मिराज सर, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आज अपने यहाँ पर पोस्ट कहाँ गए आज? नेटवर्क इशू होगा भाई, हो सकता है। चलिए ऑलराइट थैंक यू। तो यहाँ पर दूसरे हैं मोहम्मद असगर। असगर जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। अंसार जी, सॉरी असगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अंसार जी बोल रहे हैं, मोहम्मद अंसार जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी। सर मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि कल शाम को मैंने 6 बजे के आसपास बिनांस से
परचेज करने के लिए मैंने ऑर्डर लगाया था, पेमेंट तो उसके अकाउंट पे चला गया, तो उसने बोला क्या कि मैं कल ट्रांसफर करूंगा यूएसडीटी, और आज पूरे दिन तक उसने ट्रांसफर नहीं किया। मैंने उसको व्हाट्सएप किया, कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया उसने। फिर मैंने रिपोर्ट किया तो रिपोर्ट में है क्या कि अभी वो वेटिंग में है। जयराम जी, सर 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 पहली बात, जब जब उसने पेमेंट नहीं किया तो आपने अप्रूवल क्यों किया? उसको वेट करना चाहिए था, अप्रूवल नहीं देना था बिनांस पे। अप्रूवल करके एक ऑप्शन आता है सर, ठीक है, वहां पे जैसे मान लीजिए सामने वाला अगर आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है तो वहां पे अप्रूवल का एक ऑप्शन आता है, जैसे यूएसडीटी सेंड करता है, अगर आप उसको अप्रूवल कर देते हैं और यूएसडीटी सेंड नहीं कर सकते वो वहाँ पे थोड़ा लफड़ा हो सकता है। इसलिए कभी भी सामने वाला जब तक पेमेंट ना करे वहाँ पे आप अप्रूवल ना दें, और तुरंत उसको एक और तरीका रहता है कि जब भी आप बिनांस से परचेस करते यूएसडीटी तो उसका रेटिंग देखिए, उसको क्या रेटिंग मिला है, 100 में कितना परसेंट मिला है। बहुत सारे ऐसे बंदे वहाँ पे हैं जिनको 100 में 99% मार्क मिला हुआ है, वैसे ही लोगों से आपको मतलब खरीदारी करनी है। 100% है ऋषि रिच 008। जयराम जी सॉल्यूशन दीजिए अभी। उसके लिए कुछ शायद मैं कभी तो हमारे साथ सर ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए आप शायद बिनांस में कुछ कंप्लेन कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका अकाउंट बिनांस बैन कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ अप्रूवल अगर आपने कर दिया होगा तो शायद आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। मैं इस पे ज्यादा उतना जानकारी नहीं है, अनिल सर बता सकते हैं आप। चलिए मैं बताता हूँ इसको। अंसार साहब आपको क्या करना है, देखो बाइनेंस की जो गाइडलाइन है, बाइनेंस की गाइडलाइन के हिसाब से बाइनेंस ये कहता है कि मैं आपको मीडिएटर की तरह ट्रांसफर करने की परमिशन दे रहा हूँ। आप जो भी ट्रेड करेंगे वो अपने बिहाफ पे करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे अपने बिहाफ पे करेंगे। अभी जब आप कोई भी ट्रेड बाइनेंस पे पीर टू पीर करने जा रहे हैं तो आपने सारी चीजों को एनालाइज करना है। पहली चीज कि वहां पर वो बंदे के पास येलो टिक है या नहीं है, दूसरी चीज उसका जो परसेंटेज है लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का वो परसेंटेज हाई है या नहीं है, वो कितनी ट्रेड कर चुका है, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आप ट्रेड करें। इससे पहले अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से आपको करनी है। दूसरी, अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस वक्त अगर आप छोटा अमाउंट कर रहे हैं तो कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जब आप बड़ा अमाउंट कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप उसको व्हाट्सएप के उसके जो नंबर होते हैं, सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, फोन पे का नंबर, गूगल पे का नंबर जो उसका होता है वो आप निकालें, ठीक है। डायरेक्ट सिर्फ यूपीआई से नहीं करना है, उसका कॉन्टेक्ट निकालना है। कॉन्टेक्ट निकाल के आपको पहले उससे फोन पे बात करनी है, क्योंकि आपके पास 15 मिनट होते हैं ट्रांजेक्शन करने के, तो आप एक मिनट का टाइम निकाल के उसको पहले फोन कर ले कि भाई मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आप अगर अभी ऑनलाइन है तो क्या आप अभी कर देंगे या आप कहीं रास्ते में है, क्योंकि क्या है कि जो पेमेंट देने वाला है वो अगर लाइव नहीं है, उसने अगर अप्रूवल नहीं किया तो आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पहले फोन कर ले, कंफर्म कर ले, फिर ट्रांजेक्शन करें, और या फिर मोस्टली आपको ट्रांजेक्शन उन्हीं के साथ करनी है जिनका नंबर है। अब यहाँ पर सामने वाला बंदा सपोज करो, जैसे आपके केस में आप बता रहे हो कि उसका नंबर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कि वो कहीं बिजी हो गया होगा, उसने अपना फंड सेल के लिए लगा के और वो फ्री हो गया, या वो बंदा नया हो सकता है, उसको इस चीज का भी ध्यान नहीं कि मुझे यहाँ पर अप्रूवल भी देना है। तो यहाँ पर आपके पास में परमिशन होती है कि आप जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वहां पे भी नहीं जाएगा, तो आपने वहां पर वो चीज गलती की कि आपने उसे अप्रूव कर दिया, ठीक है, ओके हो गया। तो अब ये क्या होगा, अब आपको उस बंदे के साथ में फोन पे बात करके ही अपना सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसमें बाइनेंस भी आपको सिर्फ इतना हेल्प, बाइनेंस कोई और हेल्प नहीं करेगा सिवाय इसके कि वो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दे। बाइनेंस कहता है कि अगर आपके और आपके सामने वाले क्लाइंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि उस व्यक्ति का जिसने गलती की है उसका अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा, वो विड्रॉल नहीं ले सकता, उसका सारा अमाउंट वहीं पे स्टक हो जाएगा, अदरवाइज मैं और हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी हेल्प ये कर सकता हूं कि मैं आपको उसके अगेंस्ट प्रूफ दे सकता हूं कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, आप जाकर केस करके उसके साथ फाइट करोगे, तो आपकी फाइट आपके उस यूजर के साथ डायरेक्ट होगी, आप चाहे उसे प्यार से सुलटा लें या आप साइबर क्राइम में जो है रिपोर्ट करके सुलटा लें, वो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा।
ना आपको बाइनेंस हेल्प करेगा ना कोई और व्यक्ति फिर हेल्प करेगा। बाइनेंस ने इसीलिए बहुत सारे पैरामीटर्स बैरियर्स लगाए हुए हैं कि आप हर एक चीज को करने से पहले सोचे समझे करें, अगर वहां फिर भी मिस्टेक होती है तो वो आप उसकी इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, तो आप कोशिश करें उसी व्यक्ति से कोऑर्डिनेशन करें। एक चीज और यहाँ पे पी टू पी यूज करने वाले अगर दोस्त है उनको इस जो ये टॉपिक है इस चीज के रिगार्डिंग अगर थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट करके कुछ बताना है तो बता सकता है, चैट बॉक्स में डाल सकता है कि इसके रिगार्डिंग अगर उसको कुछ ज्यादा नॉलेज है तो। P2P जो ट्रेड करते हैं जो इस मीटिंग में बैठे हैं उनमें से किसी व्यक्ति के पास अगर इसका और ज्यादा कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर सकते हैं, मैसेज में डालें। एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए जो भी शेयर करना चाहता है। सर एक सजेशन और है कि जैसे मैं जब भी बाइनांस से मतलब यूएसडीटी परचेस करता हूं तो मैं एक ही बंदे से करता हूं, वो अमृतसर का बंदा है और काफी टाइम हमारे सभी टीम की जितने लगभग 10-12 लोग हैं सब लोग हम लोग उसी से लेते हैं तो काफी जाना पहचाना आदमी बन गया है। तो जहां तक अगर हो सके पॉसिबल तो बार बार एक ही आदमी से यूएसडीटी लेने से अपना एक पर्सनल रिलेशन भी बन जाता है। उसमें ऑप्शन भी दे रखा है बाइनांस ने, आप अपने बायर को चूज करके सेलेक्ट करके रख सकते हो। आप जिन बायर्स के साथ डील कर रहे हो तो आप उन्हें चूज करके लिस्ट कर लो, दोबारा आप जाओ उन्हीं बायर से फिर से बाय कर लो, आपको बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। जी राजेश भाई आपको अनम्यूट किया है। यस सर। सर पी टू पी के लिए सर फर्स्ट क्लास है सर, मैं बाहर था थोड़ा सा इसलिए कोई इशू नहीं। सर मैं बताना चाह रहा था पी टू पी मैंने बहुत से किए हैं और मेरे ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी टीम में बहुत सारी आती है और जेन्युइनली आती है। इसके लिए एक ही तरीका है, जब भी पी टू पी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पैसा बाद में ट्रांसफर करना है, पहले हमको ट्रांसफर नोटिफाई सेलर करना है। पहली चीज जनरली जितने भी लोग बताते हैं कि पहले पैसा ट्रांसफर करें बाद में नोटिफाई सेलर करें, पहले तो हमको अपने आप को सेफ करना है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर कर देंगे बाद में पैसा भेजेंगे तो उसका फंड लॉक हो जाता है यानी उसकी यूएसडीटी लॉक हो जाती है, हमको पैसा आराम से भेज सकते हैं कोई इशू नहीं। दूसरी बात अगर वो लेट हो जाता है पैसा नहीं भेज यूएसडीटी रिलीज नहीं कर पा रहा है तो हमको विद इन टाइम में जो 5 या 6 मिनट का जो टाइम होता है उसके बाद अपील जरूर करना है। कई लोग अपील ही नहीं कर पा रहे तो आपको अपील पे जरूर जाना है। अपील पे जाने पे आपको वैलिड रीजन डालना है कि आप अपील क्यों कर रहे हैं, तो आप सीधा फर्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है और वो यूएसडीटी रिलीज नहीं कर रहा है। उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स बाइनेंस आपको ये चांस देता है कि आपने अपील क्यों फाइल करी और उस सेलर को तुरंत ही मैसेज डालता है कि आप अपना व्यू दें कि आप यूएसडीटी क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं। वो अपील होने के बाद वो चैट होती है वहां पे, आप उसके बाद भी अगर उसको टाइम नहीं कर पाता आप और एडिशनल एविडेंस भी डाल सकते हो कि मैंने ये चैट पे बात करी है, मैंने इसको फोन भी किया है, वो सब डाल सके। उसके बाद भी अगर वो नहीं डालता है विद इन टाइम में तो सर बाइनेंस के पास ये राइट होता है कि जब या तो क्या करेगा सेलर उसको रिस्पॉन्स करेगा, बाइनेंस को ये बताएगा कि मैं क्यों नहीं रिलीज कर पा रहा हूँ, मेरा नेटवर्क नहीं है इसलिए मैं रिलीज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ओटीपी नहीं आ रहा है इसलिए मैं रिलीज नहीं करता हूँ, ये बाइनेंस बताता है ये सेलर बाइनेंस को बताता है जैसे हम अपील करते हैं, तो वहां पर पूरा का पूरा वन टू वन कन्वर्सेशन दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि बाइनेंस वो सेलर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, हमको बायर को भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और बाइनेंस को भी रिस्पॉन्स नहीं देता है सेलर, तो उस केस में बाइनेंस को ये राइट होता है कि वो आपकी यूएसडीटी को विद इन टाइम में रिलीज कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि जब भी हम जब कोई भी बाय ऑर्डर लगाते हैं सामने जो सेलर है उसका यूएसडीटी तुरंत लॉक हो जाता है। आप कोई भी सेलर ऑर्डर लगाएंगे बाय ऑर्डर लगाएंगे तो सामने जब भी लगाएंगे तो वो यूएसडीटी लॉक हो जाता है और जैसे ही आप उसको ट्रांसफर नोटिफाई सेलर कर दे इट मींस आपने पैसा उसको भेज दिया है, इसका मतलब वो यूएसडीटी किसी को रिलीज नहीं कर पाएगा और वो बाइनेंस अपने पास उसको लॉक करके रख लेता है। इन बिटवीन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि सेलर उसको रिलीज नहीं कर पा रहा तो बाइनेंस उस सेलर को एक चांस देता है कि आप उसको रिलीज करिएगा, आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे इससे क्वेश्चंस करता है और उसको रिप्लाई नहीं करता तो बाइनेंस उसको ऑटोमेटिक रिलीज करता है विद इन टाइम में, नो इशू। कई बार ऐसा होता है कि सेलर उसको जानबूझ के नहीं करना चाहता है और रिप्लाई करता है, या तो रिप्लाई नहीं करेगा तो बाइनेंस उसको रिलीज कर देगा। तीसरे ऑप्शन है अगर दोनों चीजों पे नहीं हो रहा तो वहां पर आप रिपोर्ट करिएगा जेन्युइन तरीके से और जैसे रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा तो आप रिक्वेस्ट करिएगा कि प्लीज आप ऐसे सेलर को मतलब ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट करिएगा और उस सेलर को भी चैट पे लिखिएगा कि मैं आपके बाइनेंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके अकाउंट को लॉक करें। इन दोनों चीज को करने पे 101% वो सेलर एज सून एज पॉसिबल यूएसडीटी रिलीज करता है 101%।
ऐसा अब पहली बार मैं इन दोस्त की बात सुन रहा था तो शायद इन्होंने ये नहीं बताया क्या सर इन्होंने अपील किया है कि विद इन टाइम पे जो अपील था और अभी भी अपील कर सकते हैं शायद ऑप्शन का अभी भी मिलेगा इनको आपने अपील कर दिया है। अच्छा अपील करने के बाद में उनका कोई रिस्पांस आया है आपको रिस्पांस नहीं आया चैट पे लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जो अपील किया है तो अपील के अपील सेक्शन में क्या उस सेलर ने बाइनेंस को कोई रिप्लाई किया है कि उसने क्यों नहीं यूएसडीटी रिलीज करी है? तो उसको उसको मैंने ना कल ट्रांसफर किया था। नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ ओके ओके आपने पैसा भेजा उन्हों को तो उसको मैंने आपकी पूरी बात सुना मैंने तो पूरी बात सुना मैं लाइव था आपने उनको पैसा भेजा और आपने उनको फोन पे बात किया। फोन पे कोई करने की जरूरत नहीं होती है आप फोन पे ना करिएगा वन टू वन परसेशन बिल्कुल भी ना करिएगा आप जितनी भी चैट करनी है टेपल बाइनेंस के चैट बॉक्स पे करिएगा चैट बॉक्स पे बात करोगे तो एविडेंस आपके लिए आप फोन पे बात करोगे आपका एविडेंस नहीं है आप चैट की बात करो आप घंटों बातें करें भले जितनी भी बात करनी है आपको 10 बार टाइप करें आप केवल चैट बॉक्स में बात करें चैट बॉक्स में बात करने का मतलब आपके पास एविडेंस आपके पास प्रूफ है कि आप बता सकते हैं कि मैंने बाइनेंस कि मैंने इतनी बार सेलर को रिक्वेस्ट की है वो फिर भी रिप्लाई नहीं करता तो बाइनेंस आपकी यूजिडिटी को रिलीज करता है क्योंकि ये राइट बाइनेंस को है और आप बाइनेंस की टर्म्स और कंडीशन पे देखेंगे जैसे बायर के साथ आपके टर्म्स और कंडीशन है उसी तरह सेलर के साथ भी टर्म्स और कंडीशन है अगर सेलर विद इन टाइम पे रिलीज नहीं करता तो बाइनेंस उसको रिलीज करता है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या आपने ये अपील करी है? मैंने अपील किया और अपील करने के बाद रिपोर्ट भी किया है मेन है क्या कि उसका रिस्पांस आया क्या कुछ नहीं कल शाम को मैंने उसको पेमेंट करा था और आज वो आज का स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि मेरे पास आज कोई पेमेंट नहीं आया जबकि कल शाम को मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह भेज दूंगा आपको। सर 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 एक मिनट सर मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ था जैसे कि मैंने पेमेंट किया ठीक है और उस बंदे को मैंने स्क्रीनशॉट भेजा तो वो बोल रहा है कि नहीं आज मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई है वो तो मैंने उसको बोला कि सर आप अभी मेरे साथ व्हाट्सएप पे मतलब उसके साथ चैट किया बोला ये वाला देखिए तो सॉरी बोला मैं दूसरे डेट का मतलब ये देख रहा था गलती से मैं आज के डेट में जो पैसा मेरे अकाउंट में आया वो देखने की बजाय फोन पे में मैं कल भी देख रहा था और उसने तुरंत भेज दिया था तो एक बार आप उससे और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर। बहुत कॉन्टेक्ट 1000 कॉल मैंने किया होगा उसको कोई रिस्पांस नहीं क्या बोलता है वो कोई रिस्पांस ही नहीं लेता और बिनांस पे मैंने जब रिपोर्ट किया उसको तो रिपोर्ट में वो आज वाला स्क्रीनशॉट भेजता है कि आज मेरे पास इस नाम से कोई पेमेंट नहीं तो मैं फिर उस पे जो रिपोर्ट किया हूं तो उस पे मैंने कल वाला स्क्रीनशॉट भेजा और उसके अकाउंट पे जो ट्रांसफर हुआ ट्रांजैक्शन आईडी के साथ मैंने बैलेंस पे भेजा हुआ है आज और उस पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो पेमेंट है इंग्लिश में मैंने लिखा कि ये जो पेमेंट है ये पेमेंट मैंने कल ट्रांसफर किया था 5:52 पे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल आपको दे पाऊंगा यूएसडीटी वो नहीं है दे देगा वो उससे आप कोऑर्डिनेशन बना के रखिए यहाँ पर तो आपको कनेक्टिविटी कनेक्ट रखनी पड़ेगी उससे ठीक है। यहाँ पर राजेश जी थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट छोटी सी करूंगा यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं आप अभी मुझे राजेश जी हमें हाँ राजेश आपका मोर करना है यहाँ पर क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी दी है वो एक्चुअली बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे यूजर्स को इसकी बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप क्या एक छोटा सा ट्रांजेक्शन $10 का अभी लाइव कर सकते हैं उसको अपन क्या करेंगे ये भी रिकॉर्ड भी हो जाएगा और ये लाइव वीडियो में चला जाएगा। आपने हमारे बात छीन ली सर मैं बिल्कुल यही बोलने ही जा रहा था सर बीच में ओके नो इशू सर मैं कर सकता हूं आप स्क्रीन शेयर कीजिए अनिल जी ये सेशन को रिकॉर्ड पे लगा के इसको यूट्यूब पे डालना है तो जिन लोगों को भी होगा ये यूट्यूब पे इसको चेक कर पाएंगे। और ये राजेश जी थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लीजिएगा इस ट्रांजेक्शन को करने में एक एक पॉइंट पे आप वो डिस्क्राइब कीजिएगा सिक्योरिटी लेवल के हम जब भी बाइंग करने जा रहे हैं तो हमें इन पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली ये मैसेज ड्रॉप कर देना है फिर ये करना है सो दैट उस पे क्या होगा कि मोस्टली लोगों का जो ये इशू आता है वो डबल सिक्योर हो जाएंगे। जी सर और आज थैंक्स राजेश भाई आपने अच्छा सबको एक नॉलेज दिया
और हम चाहते हैं कि डेली ऐसी मीटिंग में दोस्त हमसे मिलते रहे। हम तो बताते हैं कि साथ ही साथ उससे दोस्तों का नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ अगला जो नेक्स्ट सेशन होगा ना अपना, उसमें ये भी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि लोग पी टू पी में भी लोग और फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में उसका ही बहुत सारे लोगों ने इसलिए अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोले पैसे लिए और जयराम जी की कर लेते हैं, तो वो ठीक है। राजेश जी ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए मुझे, बहुत मैं आई एम आल्सो बहुत अच्छा मुझे लगा, इम्प्रेसिव थे बहुत ज्यादा। राजेश जी अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? बिल्कुल विजिबल है। अनिल भाई इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब पर है वहाँ लाइव रह जाएगा ना? हाँ। यस दोस्तों, हमको सबसे पहले, मैं अभी बाइनेंस पे जा रहा हूँ और बाइनेंस पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पी टू पी ऑप्शन पे जाना है। ये पी टू पी ऑप्शन मिलेगा, पी टू पी ऑप्शन पे जाने के बाद में सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, इस पर टिक कर लेना है। यहाँ पर देखो आपको जो मेरी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आपको हो सकता है इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे इस तरह का आपको अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पे दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। पहली बात तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर पी टू पी पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे हम पी टू पी पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है पी टू पी पे जाएंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद में आप सीधा का सीधा एक्सप्रेस पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें क्या फायदा है ये क्या, मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप एक्सप्रेस पे जाते हैं तो आप एक प्रॉब्लम आती है, क्या आती है कि आपको सपोज यहाँ पर देखना पड़ रहा है कि एक सेलर है 78 के रेट से बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 15,000 का मिनिमम बेच रहा है, परसेंटेज भले आपको दिख रहा है 98%, ये 98% है, ये 98% है, 100% है, लेकिन आप देखेंगे कि आपको सपोज $500 करना है तो आपको यहाँ पर 7,871 रुपए का सेल कर रहा है और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ये, तो आपको वो बहुत बॉटम में जाकर मिलेगा। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले हम पी टू पी पे जाएंगे, जो आप येलो पट्टी में सबसे ऊपर दिख रहा है, इस पी टू पी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सप्रेस को क्लिक करेंगे, जो एक्सप्रेस दिख रहा है बीच का वाला बटन, इस पे करने के बाद में अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाता है खुल के, ये वाला यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना। अमाउंट डालने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर रुपीज लिखा होना जरूरी होता है, रुपीज। कई बार क्या करते हैं, गलती होती है रोज, तो कभी कभी हमसे बाय मिस्टेक यहाँ पर बाय क्रिप्टो हो जाता है, तो यहाँ पर डॉलर्स आ जाएगा, कितने डॉलर्स खरीदने हैं। अब आपको यहाँ पर रुपीज खरीदना है, तो सपोज जैसे मैंने डाला गया, मैं यहाँ पर अगर जैसे 500 का बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैंने अमाउंट लिखा, उसके बाद हमको सेकंड स्टेप पे करना है बाय विद जीरो फीस करना है। जैसे बाय विद जीरो फीस करता हूँ तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे हम, और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, ये देख रहे हो कि 500 रुपए में आपको कितना यूएसडीटी मिल जाएगा। आपको बस मेथड आ गए, कौन कौन से मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर करते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, राइट दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने यूपीआई से पेमेंट करना है, यूपीआई को सेलेक्ट किया, कंफर्म परचेज कर देना है। कंफर्म परचेज करने के बाद में देखो ये कभी कभी फ्रेश करता है, यानी कि वो क्या करता है प्राइस को वापस से रिवाइज किया उसने, सेम वही ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमको थोड़ा सा पेशेंस रख, चीजों को अच्छे से समझना है क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ये सतेंद्र है, सतेंद्र एक सेलर है और उसको सबसे पहले जाकर चैट पे बात करनी है। चैट पे क्या बात करनी है, उसको ज्यादा कुछ नहीं बात करें, कभी भी ये मैंने कई लोगों को सुना है ये कर फास्ट टाइम ऑनलाइन फास्ट, मैं आपको यहाँ पे वो फर्क नहीं पड़ता, आप देखना है आई एम सेंडिंग मनी, आपने एक मैसेज किया और हम इंतजार कर सकते हैं कि क्या उसका मैसेज रिप्लाई आएगा। मोस्टली उसका रिप्लाई आ जाता है, लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूं अगर उसका रिप्लाई नहीं भी आए तो कई लोग ये बोलते हैं कि बाइनेंस फ्रॉड कर सकता, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि बाइनेंस फ्रॉड नहीं कर सकता है। इसका रीजन भी बता देता हूं साथ के साथ। अभी आपने देखो मैं यहां पर क्या रिस्क लेके देख रहा हूं, यहां पर रिप्लाई नहीं आया और रिप्लाई नहीं है तो भी हम उसको ट्रांजेक्शन करेंगे, राइट। अब ट्रांजेक्शन करेंगे उसका कोई रिप्लाई चैट पे हमने देखा नहीं, यहाँ पे कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं, लेकिन हम इसको पेमेंट कर देंगे तो हो सकता है पेमेंट का रिप्लाई नहीं हमको सीख मिलेगा, हम कैसे कर सकते। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे हमको क्या जाना है, मेक पेमेंट करना है, पे अगर हमको क्लिक कर दे इसमें मेक पे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे पेज चला जाता है। यहाँ पर हमको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमको देख लेना है कि सेलर का नाम क्या आ रहा है और इसका ये यूपीआई आईडी होता है, राइट। अब सबसे पहले हमारा काम यहाँ पर क्या करना है, हमको ये यूपीआई आईडी को कॉपी करना है। कॉपी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे जो यूपीआई आईडी है उसके पीछे स्क्वायर स्क्वायर चौकोर से बटन दिख रहा है, इस चौकोर से बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे कॉपी हो गई है, राइट। अब हमको क्या ध्यान रखना है, यूपीआई आईडी कॉपी हो गई है लेकिन सतेंद्र नाम से एक बंदा है। अब इसके बाद जो हमको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इस ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को बटन को दबा देना है। ये ध्यान दोस्तों हमको विशेष ध्यान रखना है, इस ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को दबा देना है पेमेंट करने से पहले ही। ये क्यों करना है, क्योंकि हमको अपने आप को सेव करना है। जैसे मैंने दबाया और ये यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन आ गए हैं,
एक ऑप्शन आ गया अपील का और एक हो गया कैंसिल का, राइट। हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ देना है और हमने सेलर को बता दिया है कि हमने पेमेंट कर दिया है। देखो आप चैट पे जाकर देखेंगे तो अभी सेलर का कोई रिप्लाई नहीं आया, आप देखेंगे कोई चैट में रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया, पेड का ऑप्शन दे दिया। जैसे ही मैंने पेड का ऑप्शन दिया, इट मीन्स बाइनेंस को ये मैंने बता दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया, एक्चुअल मैंने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन मैंने क्या किया, पेड का ऑप्शन दबाया। अब पेड का ऑप्शन दबाया तो उसमें क्या हुआ, मेरे को फायदा क्या मिला, ये क्यों है मैंने कि जैसे सेलर का जो यूएसडीटी है, कितना यूएसडीटी, जो मेरे को 6.34 6.34 यूएसडीटी जो मेरे को बेचने वाला सेलर था, उसका यूएसडीटी लॉक हो गया यहाँ पे। वो चाहे भी तो भी किसी को बेच नहीं सकता है, वो यूएसडीटी लॉक हो गया। अब ये राइट्स लॉक होने का मतलब है ये बाइनेंस को राइट हो गया है कि वो उसकी कस्टडी में आ गया है, राइट। तो अब हम सेफ है कि वो किसी को बेच तो पाएगा नहीं भले पैसा। अब हमको क्या करना है, अब इसको पेमेंट करने के लिए हमको जो भी एप्लीकेशन जिसपे पेमेंट करते हैं उस एप्लीकेशन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किस पे भी चले जाना है, आपको यूपीआई पेमेंट करना है। मैं जैसे चला जाता हूँ अपने, राइट। अब आपको वहां पर पेमेंट कर देना है, यूपीआई पेमेंट करना है। यूपीआई पेमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग एप्लीकेशन पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं भीम एप्लीकेशन से कर रहा हूँ और सबसे पहले उसको वेरीफाई करना है, राइट। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात याद रखने की, समझने की, वो ये है कि आप जब भी आप पेमेंट करें तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सेलर का नाम आ रहा था वही यहाँ पे नाम होना चाहिए। वहां पे भी देखो सत्येंद्र नाम आ रहा था, वही नाम यहाँ पे भी है, वही सत्येंद्र यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम आता है तो आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, राइट। अभी मैं यहाँ पर वही जितना अमाउंट था 500 में यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे कोई रिमार्क लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हो और इसको पेमेंट कर देता हूँ। मैंने पेमेंट को कंफर्म कर दिया है। जैसे पेमेंट हो जाती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है और वापस से आपको बाइनेंस पे चला जाना है। बाइनेंस पे जाने के बाद आपको चैट बॉक्स में, बाइनेंस पे गए और बाइनेंस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जाकर यही चैट बॉक्स आपकी स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे जो चैट बॉक्स है उस पे जाके क्लिक करना है, उस चैट पे रिप्लाई करना है। और दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ पर सेम सेलर ने अभी तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं किया है, सेम कंडीशन में बता रहा हूँ कि कोई रिप्लाई नहीं है तो भी मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन हम सेफ है। अभी क्या करेंगे, अब मैंने सेलर को ये बताना है कि मैंने पेमेंट कर दिया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट डन, चेक एंड डिलीवरी। एक चीज और दोस्तों, कभी भी जब चैट पे रिप्लाई करो तो एक बार में एक लंबी कहानी लिखी है, छोटे छोटे मैसेज करिएगा, उससे इसलिए मैसेज करते हैं कि बार बार से सेलर के पास मैसेज जाएगा तो हो सकता है उसको फटाफट मैसेज मिल जाए। लंबी कहानी लिखेंगे तो उसको मैसेज बहुत देर बाद पहुंचेगा, राइट। अब हमने पेमेंट कर दिया है, अब दूसरा काम करना, अभी यूनिवर्सिटी ने रिलीज नहीं किया है, अब तीसरा काम करना क्या करना है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमको इंतजार करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, सेलर ने ना यूएसडीटी रिलीज किया है ना ही रिप्लाई किया है, सेम वही कंडीशन है जो आज हमारे मित्र की है जो अभी ऑनलाइन बात कर रहे थे जूम पे। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, अगर वो पेमेंट कर दिया है, नहीं करता, तो हमको क्या करना है, अपील पे चले जाना, राइट। अब लेकिन अपील पे जाएंगे तो सही, लेकिन अपील का एक टाइम होता है। अब मैं लाइव जाकर दिखाता हूँ कि अपील का टाइम है, क्या हम अपील कर सकते हैं। देखे दोस्तों, मैंने कोई अपील नहीं करी, मैं अपील पे जाने ही वाला था और आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मेरा यूएसडीटी आ गया है, राइट। हम बिल्कुल सेफ तरीके से यूएसडीटी आ गया है और इस यूएसडीटी को क्या करना है, यहाँ पर डन पे सिर्फ क्लिक कर देना है। मैंने इसको डन किया, राइट, और ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, राइट। आप देखेंगे मेरे 500 रुपए का 6.34 यूएसडीटी आ गया है। अब क्या करना है मेरे को यहाँ से, आप चाहे तो फीडबैक दे सकते हैं, आपका मन करता है, कोई नहीं है, मैंने इसको यूएसडीटी दिया क्योंकि हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो क्रिप्टो को सपोर्ट करती है, मैंने भी उस भाई की मदद करी, उसको फीडबैक मिलेगा, राइट। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सीधे से यूएसडीटी परचेज कर लिया है। यूएसडीटी परचेज करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर वॉलेट पे जाना है, वॉलेट आपके बॉटम में राइट हैंड पे मिलेगा, राइट। वहां पे वॉलेट पे मैं गया, वॉलेट पे जाने के बाद में आपको यहां पर ये ऑप्शंस मिलेंगे, आपको यहां पर क्या जाना है, मार्जिन पे जाना है, राइट। मार्जिन जो बीच में मिलेगा, इस मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर जो आपने खरीदा है, देखो मैंने यहां पर 7.34 यूएसडीटी जो बाई किया था वो आ गया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप पे इसको ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमारा फंड फंडिंग पे है और हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फंड रखते हैं स्पोर्ट पे, तो स्पोर्ट पे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, फंडिंग से आपका स्पोर्ट पे जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा। बीटीसी जो लिखा है इसकी जगह हमको
USDT ही लिखना है। अब USDT कैसे लिखेंगे, आपको USDT पे Binance पे क्लिक कर देना है बिटकॉइन पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस सर्च के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है USDT। जैसे आप USDT लिखेंगे तो आपके सामने ये USDT थोड़ा टी साइन वाला ग्रीन साइन का आएगा, इसको ही सिलेक्ट करना है, इस पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे USDT हो गया है। अब क्या करना है आपको, अमाउंट की जगह आप येलो बटन है मैक्स यानी मैक्सिमम, वो आपको टाइप कर देना है, वही कर देना है, तो ये पूरा का पूरा आ गया। हो सकता है कई बार दोस्तों यहाँ पर आपने 500 डॉलर आपने बाय किया हो, लेकिन आप चाहते हो कि केवल मात्र मैं स्पोर्ट में $1,000 ही लेके जाऊं, तो यहाँ पर केवल $1,000 डाले, क्योंकि $1,000 आपके स्पोर्ट रहेंगे ट्रेड पे लग जाएगा, और जो रिजर्व में $500 रखना है वो रिजर्व में फंडिंग पे रख सकते हो, जब मार्केट डिप जाए तो उसको आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, मैक्सिमम डाल दिया, और उसके बाद में क्या करना है, कंफर्म ट्रांसफर का बटन को प्रेस कर देना है। मैंने कंफर्म ट्रांसफर कर दिया है, तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो फंडिंग पे ये 4.3 था, ये जीरो हो गया, फंडिंग पे मेरा कितना हो गया है, जीरो हो गया है, क्योंकि ये कहां चले गया, फंडिंग से निकल कर स्पोर्ट पे चले गया है। और यहां पर अब स्पोर्ट पे जाने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या स्पोर्ट पे आएगा, तो आपका जो अमाउंट है यहां पर ऐड हो चुका है, राइट। मेरा फंड है तो आपको पता नहीं, अलग से पता नहीं चल रहा है कितना फंड है। थैंक यू दोस्तों, इस तरह आप सेफली तरीके से आपको P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन दबा देना है, और दूसरी बात अगर किसी तरीके से वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा तो आपको अपील कर देना है। ओके थैंक यू, तो हो सकता है मैं आप तो पहुंच पाया, मेरी बातों को मैं पहुंच पाया, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं एक बार P2P ट्रेडिंग के लिए, मैं कहीं कोई समझ नहीं आया तो मैं वापस से उसको अच्छे से बता सकता हूँ। थैंक यू मेरा सर, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू सो मच। एक बार वहीं पे स्पोर्ट वॉलेट में जाके फिर शेयर करना एक बार स्क्रीन को। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बताता हूँ, साथ में इंक्लूड और करना चाहता हूँ, राजेश भाई फाइनेंस का ओपन हो गया सर, ये हो गया सर। दोस्तों यहाँ पे जैसे राजेश भाई ने बताया कि P2P से कैसे बाय करके लाते हैं, सेम यहाँ पे क्वेश्चन और रहता है, काफी दोस्तों का क्वेश्चन रहता है कि हमारा तो अकाउंट एक है, उनका बाइनेंस अकाउंट एक है, और उन्होंने ऑलरेडी काफी कॉइन है जो रॉयल क्यू ट्रेड स्टार्ट करने से पहले और बाइनेंस पे बाय करके रखे हुए हैं मैनुअल। अब काफी दफा क्या होता है कि आपके पास इथेरियम है और आपने रॉयल क्यू के द्वारा इथेरियम ही में ही कमांड डाल रखी है ट्रेड के लिए, तो जब मार्केट काफी दफा वोलेटाइल होता है ना, काफी अप डाउन जाता है, तो जो रॉयल क्यू है वो आपके जो रिजर्व इथेरियम फंड होता है ना, उसको भी कभी कभार यूज कर लेता है जब मार्केट वोलेटाइल होता है, काफी अप डाउन होता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो आपका स्पॉट वॉलेट में इथेरियम पड़ा है ना, जो अमाउंट पड़ा है, जो आपका मैनुअल बाय है, उसको आप फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करके छोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, रॉयल क्यू आपके फंड को उठाएगा नहीं, और जो आपका फंड एक्स्ट्रा है मैनुअल बाय किया हुआ है वो फंडिंग वॉलेट में पड़ा रहेगा आपका, ठीक है। तो राजेश भाई एक बार फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करके यूजिलिटी दिखा दीजिए। ओके इथेरियम को ना सर, इथेरियम को फंडिंग पर, ओके सर। अभी देखो ट्रेड लगा हुआ होगा, एक एग्जांपल के तौर पे कि स्पोर्ट से फंडिंग में सेम प्रोसेस होता है वो। हाँ मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हमको क्या करना है, जैसे सर ने बताया, आपको क्या करना है कि जैसे सर ने बताया स्पोर्ट से फंडिंग पे ले जाएंगे तो फंडिंग पे ट्रेड नहीं लगाए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो पीला बटन है कौन सा, राइट में इस एरो वाले बटन को दबा देना है। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो फंड कहाँ जाएगा, स्पोर्ट से वॉलेट पे चला जाएगा, और आपको देखो यहाँ पर BTC आपको जो भी ट्रेड पे लगा हुआ है, जैसे मैनुअली जो आपने बाय करे, सर ने बताया कि मैनुअली कोई ने आपने बाय कर रखा है या आपका फंड रखा है तो उसको स्पोर्ट पे भी लेके जा सकते हैं। तो क्या करना है, इस BTC की जगह आप जो भी कॉइन डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज मैं इसमें कोई भी लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इथेरियम लेना चाहता हूँ, राइट। तो ये इथेरियम मेरे पास ये आ गया है, राइट। कितना लेने चाहता हूँ मैं, मैक्सिमम कर दिया, मैं करूंगा नहीं, लेकिन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इथेरियम आ गया है, और इथेरियम की कितनी क्वांटिटी है मेरे पास आ गया। मैं जैसे नीचे ट्रांसफर का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा कि ये फंड स्पोर्ट से पूरा का पूरा फंडिंग पे चला जाएगा। क्या अनिल सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल करेक्ट। ओके सर, तो दोस्तों सर ने जैसे बताया हम यहाँ से वैसे भी कर सकते। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अभी हम बीच में एक बार और जैसे टेक्निकल सेशन रखेंगे तो सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बीच में आके आप थोड़ा सा और जितना भी आप जैसे ट्रेड करते हैं रेगुलर ट्रेड कब कर रहे हैं, जरूर सर जरूर सर, आप कोशिश कीजिएगा और टाइम आप हमें दे पाए ताकि हम और चीजों को आपसे सीख पाए, राइट। जरूर सर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, अच्छा लगा, बहुत अच्छी नई चीज हमने सीखने को मिली। और यहाँ पर
आई होप के जिन लोगों का भी क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया और एक अच्छी चीज आज हमें भी सीखने को मिली। थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहम्मद तौसीफ के रिगार्डिंग। एक भाई और थे, उन्होंने मैसेज किया था, एक सेकंड, उनका सर क्या नाम था, संदीप जी। संदीप भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। एक पॉइंट छूट गया इसमें, मैं वो ऐड करूंगा जो वैसे तो बहुत अच्छा बताया, खुशी हुई है हमें। एक पॉइंट छूट गया, जैसे इसमें थर्ड पार्टी का नहीं बताया, जैसे कई भाई क्या करते हैं अकाउंट किसी नाम से, फोन पे गूगल पे दूसरे नाम से चलता है, तो उसको अलाउ नहीं होता, हम उसमें हार जाते हैं। राजेश जी अगर कोई भाई ऐसे करेगा तो वो फंड अटक जाएगा उसका। यस सर, यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसके लिए सॉरी। हाँ नहीं नहीं सर, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। कभी भी जब हमको पैसा ट्रांसफर करना है तो बाइनेंस पे एक सावधानी बहुत ज्यादा रखनी वो इम्पोर्टेंट होती है कि आपको जब पैसा भेजना है तो आपको उसी अकाउंट से पैसा भेजना है जिस नाम से बाइनेंस बना हुआ है। आपने सपोज मेरे नाम से अकाउंट बना हुआ है बाइनेंस का और मैंने अपने वाइफ के नाम से अगर ट्रांसफर कर दिया तो थर्ड पार्टी पेमेंट होगा। इट मीन्स बाइनेंस के रूल के हिसाब से चाहे तो फंड अटका सकता है, अटका नहीं सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये लगेगी कि सेलर के पास एक कंडीशन लगा देता है कि मैं यूएसडीटी रिलीज नहीं करूंगा। उसको राइट होता है कि वो यूएसडीटी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, वो हमारे फंड को वापस दे सकता है, लेकिन वो टर्म्स और कंडीशन लगा के रखता है कि मैं 3% काटूंगा, मैं 5% काटूंगा, मैं 10% काटूंगा। तो वो हमने जैसे 1000 रुपए पे किया है तो वो चाहे तो 3% जो उसकी कंडीशन है वो 3% काट सकता है, वो चाहे तो 5% काट सकता है, वो चाहे तो 10% काट सकता है, जो टर्म्स और कंडीशन उसने लिखी है वो काट सकता है, उसको राइट्स है। बाइनेंस से राइट सेलर को दिए होते हैं। तो हमको दोस्तों एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जब भी पेमेंट करना है तो ये आपको एश्योर करने लेना है कि आपको पेमेंट अपने ही अकाउंट से करना है, अपने मतलब जिस नाम से आपका बैलेंस है, जिस नाम से बैलेंस है और उसी नाम से आपको पेमेंट करना है। और दोस्तों कई लोगों को ये नहीं पता हो कि मेरा बैलेंस किस नाम से है, तो आप जहाँ पे ऑप्शन है चैल हेल्थ एंड सपोर्ट पे जाकर वहां पे भी देख सकते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सब लोगों से कि आज के नाम से परमिशन से कि सर एक बार बताएंगे कि किस तरह आप बैलेंस पे अपना नाम चेक कर सकते हो। कई बार क्या, जब अकाउंट बनाते हैं 6 महीने पहले मैंने लिखा था कि राजेश है ना, और मेरा गूगल पे फोन पे है राजेश कुमार, राइट, तो कभी कभी सेलर इस पे भी ऑब्जेक्शन कर देता है कि नहीं ये तो पूरा नाम मैच नहीं हो रहा है। तो आज हम एक कोशिश करते हैं कि हम अपना नाम को चेक कर लें, और अगर पूरा नाम नहीं है, हमारा नाम अकाउंट नाम और हमारा जो नेम मैच नहीं है, तो हम अपने नाम के करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है वो ये है। राजेश भाई, संदीप भाई, एक बार ये चीजें भी जो आप क्लियर करना है, जो हमें क्लियर कर, एक बार दोस्तों मैसेज आए हैं प्रैक्टिकल करके ये भी स्क्रीन शेयर करके कर दो भैया, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आप करेंगे या मैं करूं? आप ही कर, अनिल जी कर देंगे, आप ज्यादा फास्ट कर रहे हो, अनिल जी थोड़ा अच्छे से कर देंगे। सलो नहीं, हम तो डेली करते हैं भाई, हम तो डेली करते हैं, ठीक है। हाँ आप करके बताओ। और साथ के साथ में एक भाई का मैसेज आया है कि भाई इसको सेल कैसे करते हैं। सेल भाई सेम जैसे बाय किया है ना, ऐसा ही सेल का प्रोसेस है भाई। एक शॉर्टकट थोड़ा फास्ट तरह से सेल का ऑर्डर भी डाल के दिखा देना भाई को। ओके ओके सर, ओके सर, मैं कोशिश करूंगा, मैं देख लेता हूँ सर यूएसडीटी कितना है, अगर होगा तो मैं जरूर सेल भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं सर। वो जो बाय किया है वही सेल कर दो यार। साथ नहीं होता सर। हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है सर आपको? हाँ हाँ क्लियर है। देखो हाँ, आज हम सेल भी कर लेते हैं सर, बाइनेंस पे सेल करता हूँ, लेकिन सेल करने के लिए बाइनेंस कंडीशन लगाता है, मिनिमम सेल ऑर्डर जो लगाता है। पहले 10 यूएसडीटी सेल कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम कम से कम 20 यूएसडीटी से ज्यादा कम में सेल नहीं कर सकेंगे। अब हम लाइव देखेंगे, देखो हम यहाँ पे जाते हैं, तो अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम सेल कैसे करेंगे। सेल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको वॉलेट पे जाना है। वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वही जैसे हम सेल बाय, जो सेल करना हो या बाय करना हो, सिर्फ फंडिंग से ही सेल पर है, हमारा अमाउंट फंडिंग पे रहेगा, उसी से हम सेल कर पाएंगे। सेम तरीके से हम P2P से बाय करते हैं, वो भी हमारा फंडिंग पे ही आता है, राइट, और फंडिंग से हम स्पोर्ट पे ले जाकर ट्रेडिंग करते हैं, राइट। अभी हमको क्या करना है, सेम स्पोर्ट पे जाना है, और स्पोर्ट पे जाने के बाद सबसे पहले फंड को कहाँ ट्रांसफर, इस फंड को स्पोर्ट से फंडिंग पे लेके जाना है, और फंडिंग पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको देखना पड़ेगा कि यूएसडीटी क्या है। अब देखो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पे यूएसडीटी दिख रहा है कितना, $28, तो $28 मैंने यहाँ पे टच किया और यहाँ पर आ गया,
$28 है, तो मतलब इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। अभी मैं फंडिंग पे जाता हूँ, फंडिंग पे जाने के बाद आप मेरी यहाँ पे ट्रांसफर पे जाऊंगा। मेरी स्क्रीन समझ आ रही है सर आपको? ट्रांसफर करता हूँ, ट्रांसफर पे किया और वहीं पे सेम। अभी मैंने क्या किया, पहले देखो यहाँ पे स्पोर्ट है, फंडिंग है। अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि क्या करना है मुझे, स्पोर्ट से फंडिंग पे लेके जाना है। अब मैंने इसको चेंज कर लिया, कहाँ से चेंज किया मैंने, राइट पे ये येलो बटन से। ओके, अभी दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फंड कहाँ से जाएगा, स्पोर्ट से जाएगा और फंडिंग पे जाएगा। कौन सा अमाउंट लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं यूएसडीटी बेचना है, तो यूएसडीटी बेचने के लिए बीटीसी की जगह मैं यूएसडीटी कर देता हूँ। और यूएसडीटी करने के बाद जो पहले किया है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पहले से लिखा हुआ, और यहाँ पे नहीं दिखता तो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन आता है, इस सर्च के ऑप्शन पे जाकर आपको यूएसडीटी सर्च कर लेना, यूएसडीटी टाइप कर देना है। जैसे यूएसडीटी टाइप करेंगे आप यूएसडीटी, तो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे आपकी स्क्रीन पे भी यूएसडीटी का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यूएसडी का ऑप्शन आता है इस पर टिक कर देना है, तो यहाँ पर यूएसडीटी आ गया। अब आपको कितना अमाउंट सेल करना है यहाँ पर वो देखते हैं। अब देखो मैं दो चीजें करके देख रहा हूँ, पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पर 10 यूएसडीटी ट्रांसफर करूँ, केवल मैं 10 यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इससे ये पता लगेगा क्या हम $10 बेच सकते हैं। तो मैंने $10 ट्रांसफर किया, और $10 जाने के बाद ये देखो अब यहाँ पर आ चुका है कितना, फंडिंग पे मेरे फंडिंग पे कितना $10 आ चुका है, राइट। अब हम $10 को सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या हम $10 बेच सकते हैं। अब हम इसको सेल करने के वही एक ऑप्शन है, P2P ट्रेडिंग पे चले जाते हैं। P2P ट्रेडिंग पे जाने के बाद में यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे, अभी हमको क्या करना है, सेल करना है। तो सेल का ऑप्शन जस्ट उसके बगल में है, दिख रहा है, तो हम सेल का ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, और ये वही वाला ऑप्शन आ गया। अब ठीक है, अब सेल करना है, अब सेल क्या करना है, यूएसडीटी करना है। आप चाहे तो बीटीसी भी सेल कर सकते हो, बीएसडीटी भी कर, लेकिन हम जब यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं यूएसडीटी में करते हैं, राइट, तो हम यूएसडीटी पे ध्यान देंगे, इसको कोई भी ध्यान नहीं देंगे, राइट। अभी क्या करना है आपको, अभी देखो मेरी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना अवेलेबल 10 है, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैक्सिमम कर देता हूँ, राइट। मैंने मैक्सिमम किया और यहाँ मैक्सिमम आ गया, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल ऑर्डर लगाने के लिए सेल करता हूँ, तो क्या ये सेल ऑर्डर लग जाएगा, देखो, राइट, ये कह रहा है मिनिमम $20। आप क्या, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे क्या बता रहा है, मिनिमम सेलिंग क्वांटिटी इज $20, यानी कि हम $20 से कम यूएसडीटी को सेल नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं वापस से जाता हूँ, इसको $20 कर देता हूँ, वॉलेट पे जाता हूँ, वॉलेट पे जाने के बाद वहीं पे स्पोर्ट पे चले जाता हूँ, स्पोर्ट पे जाने के बाद इसको फास्ट करता हूँ, क्योंकि ये स्टेप हम पहले से कर चुके हैं। यूएसडीटी पे जाते हैं, यूएसडीटी पे नहीं, फंडिंग में ही करके करना है, फंडिंग में ही होगा भाई। यस यस, ओके, ट्रांसफर किया मैंने, और क्या किया, स्पोर्ट से फंडिंग पे किया, और इसको यूएसडीटी किया, और यहाँ पे वापस से 10 और ऐड कर देता हूँ, और ये 10 चला जाता है, राइट। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे देख रहा है, यहाँ पे 20 हो गया, राइट, मेरी स्क्रीन पे 20 फंडिंग पे $20 आ चुका है। अब हम $20 को सेल आउट करेंगे, P2P ट्रेडिंग पे चले जाते हैं, P2P ट्रेडिंग पे जाकर सेल पे जाते हैं ना। अब यहाँ पर अवेलेबल $20 है, अब मैं मैक्सिमम $20 को सेल आउट कर रहा हूँ, अमाउंट डाला मैंने 20। आप चाहे तो कितना भी अमाउंट डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम सेल के $20 ही होगा। आप 50 कितना भी बेच सकते हैं, आपको क्या रेट मिलने वाली है वो यहाँ पर ये अवेलेबल है, 78 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, राइट। अभी क्या करना है, आपको सेल लगा देना, सेल विद जीरो फीस, जैसे हम बाय विद जीरो फीस करते थे उसी तरीके से सेल विद जीरो फी करना है, सेम ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम चीज आपको, जैसे आप वहां पर पेमेंट बेचते थे, सेम यहाँ वो खरीदते थे, उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, आपको $20 में कितना रुपए मिलेगा, ₹1566 मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर बाइनेंस आपसे पूछता है कि आपको पेमेंट कैसे लेना है, IMPS से पेमेंट लेना है, बैंक ट्रांसफर से पैसे लेना है, या UPI से। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे UPI का ऑप्शन एक ऐड कर रखा है, आप चाहे तो यहाँ पर आप जिस भी मेथड में पेमेंट लेना चाहें उसको ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये प्लस का साइन जो दिख रहा है, ऐड पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। मैं भी कर देता हूँ, शायद आपको सीखने को मिलेगा, मैं पेमेंट मेथड को ऐड कर देता हूँ। जैसे पेमेंट मेथड को ऐड करता हूँ, तो जैसे मेरी स्क्रीन पे मैंने UPI तो ऐड कर रखा है, मैं अगर मान लो बैंक ट्रांसफर भी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आपके सामने बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मैं ऐड करता हूँ, आपके सामने ये बैंक ट्रांसफर पे चला गया। तो दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्या मेरा नाम आ चुका है रिचा। अब मेरे को यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, अपना बैंक का IFSC कोड डाल देना, अकाउंट टाइप कौन सा डाल देना, बैंक का नाम डाल देना, ब्रांच कौन सी ये डाल देना, और इसको कंफर्म करना है। जैसे ही मैं ये कंफर्म करूंगा तो दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर मैं कर नहीं रहा हूँ, होगा क्या, ये ऐड हो जाएगा मेरा, और ऐड होकर कहाँ शो होने लग जाएगा, यहाँ पर,
ओटीपी आएगा। हाँ ओटीपी आएगा यस। जैसे आएगा तो पहले ओटीपी आएगा आपके पास, वही कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप ही अकाउंट कर रहे हैं। ओटीपी डालने के बाद आपका यहाँ पर सारा प्रोसीजर करने के बाद यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा कि जैसे मेरा यूपीआई ऐड है वो बैंक का ऐड हो जाएगा। राइट, अभी क्या करना है आपको, पेमेंट कैसे लेना, जैसे मैं यूपीआई से पेमेंट लेना चाहता हूँ तो मैंने यूपीआई को सिलेक्ट किया जैसे मैं कर रखा है। इसके बाद मैं कन्फर्म को सेल को कर देता हूँ। जैसे ही कन्फर्म मैंने सेल किया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इन द सेंस सेलर के हाथ में कोई ऑप्शन कोई राइट ही नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दोस्तों क्या है, बात ध्यान रखने वाली, कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप चाहे तो ना तो ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो ना ही और कुछ कर सकते हो। राइट, अब आपको चैट पे ही जाना है क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे कुछ पूछना चाह रहा होगा, हो सकता है वो भी इंतजार कर रहा हो। देखो ये लिख रहा है प्लीज पॉजिटिव आई कैन मेक पेमेंट, तो मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ यस आई एम ऑनलाइन। मैंने इसको कंफर्म कर दिया यस आई एम, कि वो पूछ रहा है बंदा कि प्लीज पॉजिटिव फीडबैक देना है ना। आई कांट मेक पेमेंट इन करंट अकाउंट, ओके वो कह रहा है, मैंने इसको वो कह रहा है कि मैं करंट अकाउंट में पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सेविंग बैंक अकाउंट है, तो मैंने इसको बोला। और देखो उसका रिप्लाई आ गया ओके वेट। राइट, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सेम प्रोसीजर है, वो पेमेंट करेगा। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात वो क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के नीचे पेमेंट रिसीव का एक ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है, वाइट है, येलो नहीं है। अब ये येलो कब होता है, जब हम पेमेंट करते हैं, जब हम यूएसडीटी को बाय करते हैं उस समय हम ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का एक बटन दबाते हैं। ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर का जब बटन दबता है उसके बाद ही ये ऑप्शन ओपन होता है, ये ऑप्शन हमको क्या होता है पेमेंट रिसीव का। राइट, जब तक वो सामने वाला बंदा ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन नहीं दबाएगा तो मैं चाहकर भी उस बंदे को, देखो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे मैसेज आ गया मेरे को पेमेंट आ चुका है। दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पर ये देखो पेमेंट आ चुका है मेरे को, फटाफट पेमेंट आ चुका है, पेमेंट मेरे अकाउंट पे आ चुका है। देखो मेरे अकाउंट पे पेमेंट आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि पेमेंट मेरे को रिसीव हो चुका है, मेरे बैंक से मैसेज आ चुका है, 1567 रुपए का पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। लेकिन अभी उस बंदे ने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन उस बंदे ने ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन नहीं दबाया है। लेकिन मैं चैट पे जाकर उसको बोलता हूँ कि भाई नोटिफाई सेलर का बटन दबा दो। देखो उसने क्या किया है, हाँ अच्छा ओके ओके। देखो एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पर, उसने बोला है कि पे फास्ट ब्रो है ना, लेकिन मैं बोलता हूँ नोटिफाई सेलर हालांकि उसने दबा दिया है लेकिन मैं फिर भी इसको कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या है कि उसने यहाँ पर क्या है ना मार्क्स एज द ऑर्डर पेड, ऑर्डर पेड का मतलब क्या है, उसने ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन ऑलरेडी दबा दिया है लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि उसके बाद भी कुछ ना कुछ ये रहा होगा, क्या इशू, नेटवर्क इशू रहा होगा और मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं आया है। दोस्तों कभी कभी हमारे साथ होता है, नहीं होता है, यस यस नहीं सर, हम इसको बैक कर लेंगे वापस से, अब इसी बाइनेंस को दोबारा खोल लेंगे तो ये हो जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई लोग ये करते हैं ना, ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर दबा दिया, हमने पेमेंट भेज दिया लेकिन सामने वाला बंदा यूएसडीटी रिलीज नहीं कर रहा है। वो इसलिए रिलीज नहीं करता है क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन ओपन नहीं होता है। वो बंदा हो सकता है नया हो, उसको पता ही नहीं हो, जैसे अभी इनसे मेरे को गाइड किया, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। हमने इसको बैक किया, जैसे बैक किया वापस से क्या करना है, हमको यहाँ पे P2P ट्रेडिंग पे चला जाना है और P2P ट्रेडिंग पे बाद हमको कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन। अगर कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये ऑप्शन अब बैक तो हो गए कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों जो भी मिलेगा तो आपको बाय सेल के सामने सिम का जैसा निशान मिलता है उस पर रेड कलर का डॉट मिलेगा। रेड कलर का डॉट का मतलब है कि आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, चाहे बाय के टाइम हो चाहे सेल के टाइम हो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ये वाला ऑप्शन। राइट, अब देखो दोस्तों जैसे मैंने किया यहाँ पर तो ये पीला, ये बटन पीला हो चुका है। इट मीन्स मेरे को क्या करना है, मेरे को कंफर्म करना है कि मेरे को पेमेंट मिल चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेमेंट को कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के टाइम यहाँ पर ऑप्शन देता है कि क्या आपने पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर कह रहा है आई हैव नो रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बायर, राइट, आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द करंट अकाउंट, तो मेरे को तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन को दबा देता हूं और यहां से नीचे से कंफर्म कर देता हूं। जैसे मैं कंफर्म करता हूं तो यहां पर एक ऑप्शन करता है, क्या ऑप्शन देता है कि आपको ओटीपी वेरीफाइड करता है कि क्या
सेंड कोड का बटन दबा देना है। जैसे मैंने सेंड कोड का ऑप्शन दबाया तो ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे। देखो ये ओटीपी नाइन फोर एट फोर टू जीरो मैंने दबाया, सबमिट किया। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर आपको? बिल्कुल क्लियर है भाई। ओके, और हमने यहाँ पर जो हमने 20 यूएसडीटी है वो सेल आउट कर दिया है। और इसी तरह हमको जैसे बाई करते थे उसी तरह यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर सेल हो गया और हमारे अकाउंट में पैसा आ गया दोस्तों। राइट, बहुत आसान है। आप चाहे तो उस बंदे को फीडबैक भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नहीं गए तो मैंने पॉजिटिव दिया, क्योंकि हमारा काम यही है कि हमारी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करना है इंडिया में। तो दोस्तों इसी तरह बहुत आसान है, बाइनेंस पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन आपको बस एक ही ध्यान करना है, ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर पहले ही दबा देना है। कई बार दोस्तों सेलर आपको चैट में ये बोलेगा कि ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर पहले बटन नहीं दबाना है, लेकिन आपको उस बात को इग्नोर करना है। क्यों करना है? आपको अपने पैसों को सेफ सबसे पहले करना है, कि आपने ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन दबा दिया इसका मतलब उसका यूएसडीटी लॉक हो गया। राइट, कभी कभी क्या होता है, हम अगर पैसा तो भेज दिया, अब देखो ये बात क्यों ध्यान रखने वाली बात है, ये इसलिए ध्यान रखने वाली बात है क्यों, क्योंकि आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, आपने पैसा तो ट्रांसफर कर दिया है लेकिन नोटिफाई सेलर नहीं कर पाए। अब ट्रांसफर नोटिफाई सेलर नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है? एक कारण तो हो सकता है आपका नेटवर्क चला गया इसलिए नहीं कर पाए, दूसरा कारण हो सकता है आपका कॉल आ गया हो इसलिए नहीं कर पाए, हो सकता है कि टाइम आउट हो गया हो ट्रांसफर नोटिफाई। अगर टाइम आउट हो गया है, नेटवर्क चलेगा तो आप ट्रांसफर नोटिफाई सेलर नहीं कर पाओगे, तो होगा क्या कि आप वो ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, क्योंकि विद इन टाइम में आपने पेमेंट भले ही कर दिया हो, लेकिन पेमेंट कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको विद इन टाइम में ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन प्रेस करना होता है। विद इन टाइम में आप नहीं करते हो इसका मतलब बाइनेंस ये समझता है कि आपने सेलर को पेमेंट नहीं किया है और ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। और यहाँ स्थिति में क्या सिचुएशन आ जाती है कि आपका पैसा तो सेलर को चला गया है लेकिन यूएसडीटी, उस कंडीशन पे हमको कुछ नहीं, हमको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पैसा वहां भी आ जाता है। आप वापस से जाकर अपील कर सकते हो, अपील का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, वहां पे अपील का ऑप्शन मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको जाकर बाइनेंस पे बात करेंगे, वहां चैट ऑप्शन पे जाकर बात करेंगे तो वो पैसा भी मिलता है। मैं आपको ये भी एश्योरेंस देता हूं कि आपने अगर पेमेंट कर दिया है, आपने पेमेंट को कर दिया है और ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो भी मैं एश्योरेंस देता हूं कि उस कंडीशन में भी बाइनेंस आपका पैसे को देता है। और अगर किसी भी फ्रेंड को ऐसी कोई समस्या आई हो तो एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकता है, मैं उसकी उस टाइम पे भी हेल्प करूंगा कि किसी का फंड बाइनेंस पे फंस गया है या यूएसडीटी नहीं आ रहा है, तो उस टाइम भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स में नंबर ऑलरेडी है हम लोगों के आपस में एक दूसरे के पास। ओके अनिल जी, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और साथ ही साथ वो क्लियर और कर दीजिए। एक संदीप हाँ। भाई ने क्वेश्चन पुट किया था सर, शेयर का ऑप्शन वापस दीजिएगा, मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया। हाँ, वो नाम चेंज करने वाला ना सर, नाम को चेक करने वाला ऑप्शन है ना, या कुछ और पूछ रहे थे सर? वही 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 वही। ओके ओके सर, आज सभी दोस्तों के कंफर्म कर लेना है कि आपका नाम किस नाम से है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल के चिन्ह आपके लेफ्ट हैंड पे मिलते हैं जहां पर एक इंसान मुंडी जैसा बनकर दिखा रहता है, यहाँ पे चला जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सबसे लास्ट में आपको जाना है, स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चला जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको हेल्थ एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट, आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे चला जाना है। और जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, चैट पे जाना है, चैट बाइनेंस पे चैट एक रामबाण है हमारे पास, हमारे कहते हैं ना कोई भी समस्या हो आपको भागकर चैट पे चला जाना है, सारी समस्याओं का समाधान चैट पे मिलता है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा कि बाइनेंस 24/7 आपको बहुत एक्टिव मोड पे सर्विस देता है और आपकी क्वेरी को बहुत जल्द रिजोल्व करता है और रिप्लाई करता है। मैं चैट पे चला जाता हूं, चैट पे जाने के बाद आपको यहां पे हर तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। मेरी स्क्रीन खुल रही है बिल्कुल। यस संदीप भाई, आपका येल था का क्वेश्चन? नहीं, अलग है भाई। सर क्या था भाई? चलो भाई को ये क्लियर कर देना, ये कंप्लीट कर दो पहले। ओके ओके सर, अभी देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, आपको अपना अकाउंट का नाम देखना है। अकाउंट का नाम देखने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला
यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम, हर चीज का समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा। लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन, राइट, विड्रॉल, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे चला जाना है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन मिल रहा है लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन पे चले जाता हूँ और यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन मेरे को खुल जाएंगे। अब देखो नाम चेंज करना ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं स्क्रॉल करके ऊपर चला जाऊंगा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, हाउ टू मॉडिफाई नेम, हाउ टू मॉडिफाई माई रेजिडेंशियल एड्रेस ऑप्शन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू मॉडिफाई नेम पे चले जाते हैं। जैसे मैं हाउ टू, कौन सा ऑप्शन, हाउ टू मॉडिफाई नेम, हाउ टू मॉडिफाई नेम पे जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऑप्शन खुल गया है। अब ऑप्शन जैसे खुलेगा ये तो राजेश भाई ये तो नेक्स्ट स्टेप है, काफी टफ हो जाएगा दोस्तों के लिए। सर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहीं पे मिलेगा दोनों ऑप्शन, ये चेक करने का, अच्छा यहीं पे मिल जाता है सर ये दोनों चीज आपको वेरीफाई करने का यहाँ पे। कंटिन्यू कीजिए। यस, यहाँ पे जैसे इस पे करेंगे ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इफ कंफर्म द सिस्टम एज इनकरेक्टली, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ यू कंफर्म दैट द सिस्टम एज इनकरेक्ट रिकॉग्नाइज योर नेम प्लीज क्लिक एंड फॉलोइंग लिंक अप्लाई टू नेम करेक्शन। और नीचे लिख रहा है इफ यू हैव, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, इफ यू हैव नॉट कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्लीज द अप्लाई राइट बिफोर अप्लाइड योर नेम करेक्शन। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। चौधरी भाई आप मत कीजिए स्क्रीन पे ऐसे, चौधरी जो भी चौधरी भाई है। एक मिनट वेट करते हैं दोस्तों, अभी मेरी स्क्रीन थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो है। यहाँ पे कुछ नहीं आपको दिखना है, तो सबसे पहले ही ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट नाम, वो बताएगा आपका नाम ये है और करेक्शन ये करना है, एक ऑप्शन फॉर्म खुल जाएगा। तो उस ऑप्शन फॉर्म में पहले ये बताएगा आपका अकाउंट किस नाम से है और नीचे आपको करेक्शन, क्योंकि मैंने करेक्शन फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आएगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी खुल जाएगा, एक मिनट में। कोई नहीं संदीप भाई, आपका यही हो गया, हो गया सर। आप देख रहे हो दोस्तों मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, नेम करेक्शन अपील, लेकिन करेक्शन अपील में आप देख रहे हो मेरे ओरिजिनल क्या नाम है, रिचा नाम है राइट। अगर आपका नाम रिचा है यहाँ पर राइट और आपको लग रहा है कि आपका दूसरा नाम उस पर एक्चुअल नाम पूरा ऋचा कुमार होना चाहिए, कुमारी या जो भी सरनेम होना चाहिए क्योंकि आपके बैंक में वही नाम है, तो आप यहां पर अपना नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन वही नाम लिखना पड़ेगा जो आपके डॉक्यूमेंट में है, आधार कार्ड पैन कार्ड में जो भी आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है, सेम नाम ही यहां पर आपको डालना है राइट। तो ये एक बार चेक कर लेना है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं बनाते टाइम, तो हमारा कोई फ्रेंड जिसको हम अपलाइन बोलते हैं, हमारा मित्र, हमारा फ्रेंड, हमारा भाई, कोई भी हो सकता है, वही बनाते हैं। बनाते टाइम जल्दबाजी में हो सकता है टाइपिंग एरर हो जाए राइट, दोस्तों टाइपिंग एरर हो सकता है, हम लिखना चाहते हैं राम और लिख देते हैं काम, ऐसा होता है क्योंकि कीपैड पे ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों वो हमको पता नहीं होता है, लेकिन जब वो पता कब चलता है, जब हमारा पेमेंट कर लेते हैं और सामने वाला सेलर बोलता है कि भाई ये थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर, तो हमको गुस्सा भी आता है कि भाई कैसे है, तो हमको गलती हमारी है क्योंकि हमको हमारा नाम ही नहीं पता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपना ओरिजिनल नेम यहाँ पे चेक कर लेना है और गलत है तो करेक्शन के लिए अपील कर देनी है यहाँ पे दोस्तों राइट। और अपील करने का कुछ नहीं करना है, सीधा नाम मिडिल नेम ये डाल देना है और एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन डाल देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। कुछ ही दिन में 24 घंटे के अंदर ये आपका नाम चेंज हो जाता है और जो आपका करेक्शन हो जाता है। ओके दोस्तों, सर मैं अनिल सर मैं पहुंच पाया आप तक ये बात? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है और थैंक्स राज भाई आपको उसके लिए। और संदीप भाई यही क्वेश्चन था क्या आपका? नहीं अलग है भाई, जैसे एक भाई ने क्या किया था, 10,000 की पेमेंट की थी P2P के थ्रू, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी से कर दी थी उसने, जैसे उसके नाम से था, तो उसको पता नहीं था, वो अपील नहीं कर पाया, जैसे 15 मिनट का टाइम होता है उसके बाद, जैसे ठीक ओके ओके नो इशू, तो अपील नहीं कर पाया, और उसने जैसे फिर सीनियर से बात की काफी टाइम बाद, उसी टाइम पे भी नहीं की उसने, जैसे 2-3 घंटे बाद की, तो उसका फिर उन्होंने किया कि जैसे बाइनेंस पे भी मेल वगैरह डाली, तो उसमें उसका ये कि थर्ड पार्टी, उसने बंदे ने पहले ही मैसेज डाल रखा था थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है, तो उसने जैसे मैसेज गया और वो पेमेंट को नहीं, राजेश भाई एक बार संदीप भाई की पूरी बात सुन लेते हैं। मैं समझ गया सर, मैं इनकी बात को मैं बता देता हूँ, ये बताने चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ सर, अपन लोग तो समझ गए हैं, वो आगे वाले नहीं समझते हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे ठीक है सर ठीक। P2P से है ना 10,000 रुपए हमने भेज दिया आगे, और थर्ड पार्टी थी, जैसे मेरे नाम से आईडी लगी है और मम्मी के नाम से मैंने पेमेंट कर दी उनको,
ठीक है, ठीक है। आगे वाले बंदे ने पहले ही चैट बॉक्स में मैसेज डाल रखा था जो कि मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं नया था, मैंने चेक नहीं किया कि ये थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। उसने कमेंट डाल रखा पहले से ही चैट में, तो अब मेरे को ये बात पता नहीं है। मैं पेमेंट कर दी, 10,000 स्क्रीनशॉट भेज दिया और उसको लिख दिया कि पेमेंट कर दी, आप डॉलर सेंड कर दो यूएसडीटी। लेकिन उस भाई ने क्या किया, कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं, वो वेट करता रहा 15 मिनट का। मैं भी 15 मिनट वेट करता रहा। उसके बाद 15 मिनट होने के बाद में उसने नहीं भेजा, तो मैंने कंफ्यूज हो गया कि अब तो मेरे पैसे चले गए, अब क्या करूं। तो लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद में जैसे सीनियर को फोन किया, नहीं उठाया, तो टाइम निकल गया जो अपील करने का होता स्टार्टिंग में 15-20 मिनट का। तो एक घंटे बाद सीनियर से बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई आपने उसी टाइम पे अपील करना होता था, आपने वो नहीं किया। तो उसके बाद मेल करवाते हैं वहां पे जाके, तो मेल में क्या है कि माइनस पूछता कि आप स्क्रीनशॉट भेजो और ये है क्या इशू था, वो डिटेल भेजो। वो टाइप करके भेज दिया ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम थी। उस बंदे से चैट में मतलब पर्सनल नंबर था ना जो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करी, तो बंदे ने नहीं माना उस चीज को और 10,000 की पेमेंट उसने रोक दी। अब वहां से आगे से क्या हुआ, माइनस से जैसे कंप्लेंट तो ले ली उन्होंने मेल के थ्रू हमारी, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या हुआ कि वो सेलर था ना वो जीत गया, हम हार गए उसमें केस में। क्यों? क्योंकि उसने ये था कि थर्ड पार्टी अलाउड ही नहीं उसके उसमें, और मैंने उसको पेमेंट कर दी। तो अब क्या करें उसमें, हेलो आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना, एक फोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर क्या होता है सर, पहली बात तो ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का करना बहुत जरूरी होता है, और वो करने के बाद में पेमेंट कर दिया, हम सब काम कर दिया, हमको अपील करना कंपलसरी। लेकिन आपने अपील नहीं कर पाए, ऐसा होता है ना, तो क्या होता है, पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपने आप पे विश्वास करना है और बाइनेंस पे विश्वास करना है, राइट। सेलर कितना भी बड़ा चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ धूर्त, चालाक, कपट, निकम्मा भी, माफी चाहता हूँ सब, लेकिन आपके पास एक राइट है। क्या राइट है कि आप अपील करेंगे, मैं उसका दो कंडीशन लगा रहा हूँ, एक अपील करिए एक नहीं भी करिए, आपको अपील करना ही करना है। अपील करने के बाद में वो कितनी भी बदमाशी करने की, थर्ड पार्टी पेमेंट किया, मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूँ, थर्ड पार्टी पेमेंट किया आपने, थर्ड पार्टी पेमेंट किया तो क्या करेगा, थर्ड पार्टी पेमेंट करने के बाद में अपील कर देना, ट्रांसफर अपील का, अपील करने के बाद वो बंदे के पास पेमेंट तो पहुंच गया लेकिन उसका फंड भी तो लॉक हो गया ना भाई, फंड उसका लॉक हो गया, तो वो चाहकर भी उस फंड को कोई काम तो ले नहीं पाएगा। आप उस बंदे को बोलिएगा कि भाई साहब चैट पे बोलिएगा, मैंने आपको पेमेंट तो दे दिया है, आपको पेमेंट तो मिल ही गया है ना, आप मेरे यूएसडीटी रीच करो। ये तो वो नहीं मानेगा, तो आप उसको बोलो कि भाई साहब आप नहीं भेज रहे हो तो मैं आपके खिलाफ आपके अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। ये बोलिएगा आपको, जैसे आप रिक्वेस्ट उसको सिर्फ ये लिखेंगे कि आप अगर यूएसडीटी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो मैं बाइनेंस को रिक्वेस्ट करता हूँ आपके अगेंस्ट में आपके अकाउंट को लॉक करें। और ये आप उसको क्या नाम से जाकर अपील जहां पर करिए, अपील के बाद में अपील कर दिए, अपील के सेकेंड बार एक होता है कि मोर क्या नाम से एडिशनल इंफॉर्मेशन एड करने का ऑप्शन आता है, वहां पर जाकर आप एक बार और लिख दीजिएगा कि सेम चीजें कि आई हैव ट्रांसफर्ड द मनी टू द सेलर बट सेलर इज नॉट रिलीजिंग यूएसडीटी एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट टू बाइनेंस प्लीज ब्लॉक दिस सेलर है ना हु वांट टू क्रिएट अननेसेसरी लिटिगेशन। जो भी आप लिखना चाहते सीधा से लिख दे कि ये अननेसेसरी करना चाहता है, राइट। अब क्या करें, जैसे आप लिखेगा तो मैं इस इतना सा करने पे मैं कहता हूँ 70% सेलर, 70% सेलर आपको डायरेक्ट कॉल कर लेता है, वो बोलता है कि भाई आपने रिक्वेस्ट क्यों करी, वो गुस्सा करेगा, ये मान के चलना वो गुस्सा कर लेगा और फोन पे बात करे तो गाली भी दे सकता है, फोन पे कन्वर्सेशन नहीं करना है क्योंकि फोन पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, राइट। और वो मिसबिहेव भी कर सकता है आपके साथ, लेकिन आपको बोलना है कि भाई साहब पेमेंट तो कर ही दिया ना, यूएसडीटी रिलीज कर दो, राइट। वो कहेगा मैं नहीं करूंगा तो उसको अटका के रखना है, उसको टाइप करना है, उसके बाद में क्या करना है आपको, वो कहेगा कि फिर उसको कहेंगे पैसा नहीं खा सकता, उसको बोलेंगे कि भाई मेरा पैसा रिफंड कर दो, वो कहेगा रिफंड तो कर दूंगा, लेकिन रिफंड करेगा वो पैसा खा नहीं सकता, रिफंड क्या करेगा उसके टर्म्स और कंडीशन लगा के रखेगा का कि मैं 3% काटूंगा, मैं 5% काटूंगा, मैं 10%, वो अगर कंडीशन सेलर ने अगर जैसे आप क्या करते हो ना, आप जैसे सेल ऑर्डर लगाते हो तो जैसे कहीं लिखता है मैम ऑनलाइन, तो अगर सेलर ने कंडीशन लगा रखी क्या कि मैं 3% आप थर्ड पार्टी पेमेंट मत करिएगा और थर्ड पार्टी पेमेंट करता हूं तो 3% काटूंगा, अगर वो कंडीशन लगा रखी है ना उस सेलर ने तभी उसका राइट बनता है, तभी वो 3% 5% ना कंडीशन भाई कि अगर थर्ड पार्टी दोगे तो मैं अलाउड नहीं करूंगा, फिर क्या करें उसमें। हाँ, आपने कहा अलाउड नहीं करेंगे तो उसको बोलेगा भाई साहब मेरा पैसा दे दो,
आप उसको बोलो मेरा पैसा दे दो, वो उसको बोलेगा मैं पैसा नहीं दूंगा, बताओ। हाँ फिर? हाँ अब वो कहता है पैसा नहीं देते, तो आप सीधी सी बात है बाइनेंस पे जाइएगा और उसके खिलाफ अपील करिएगा, अपील में आप इंफॉर्मेशन में उसको ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट करिएगा। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मोर देन 90% क्या 99% लोग आपको तुरंत की तुरंत यूएसडीटी रिलीज करेंगे। ये वाक्य मेरे साथ 8 से 10 बार हो चुका है, क्योंकि सारे नए लोग हैं वो बहुत बार हुआ है, बहुत बार नए यूजर को पता नहीं। तो आप अपील करें, अपील के बाद वो बदमाशी दिखाने की कोशिश करता है, वो कहता है मैं पैसा नहीं, आप उसको बोल ले कि मैं आपके खिलाफ रिक्वेस्ट करता हूँ आपको ब्लॉक करने के लिए, और उस पे बताइए और वहां पर अपील में जाकर वो लिख दीजिए कि आई रिक्वेस्ट टू बाइनेंस प्लीज ब्लॉक दिस सेलर हु वांट टू ईट माय फंड, राइट। इतना सा किया और मैं बताता हूँ 10 मिनट में फंड रिलीज हो जाएगा, या तो रिलीज हो जाएगा नहीं आपको बोलेगा चैट पे आ जाएगा, और चैट पे जैसे वो आ जाता है वो उसके भाव जो आसमान में चढ़ रहे तो डाउन आ जाता है। क्यों आ जाता है कि जितने भी सेलर यहाँ पे होते हैं मोस्टली इसमें, जैसे मान लो मैंने उसको पहले पेमेंट कर दी, बाद में नोटिफिकेशन का जो मैंने पे का ऑप्शन ऑन कर दिया, क्या फिर भी उसका फंड स्ट्रक होएगा या नहीं होएगा? नहीं नहीं उसकी चीज, हाँ अगर कई बार क्या होता है हमने पेमेंट कर दी ट्रांसफर नोटिफाई कर सेलर बटन नहीं दबा पाए, राइट। यही कंडीशन है इस पे, देखो दो चीजें होती है, अगर नहीं नहीं आप देखो एक कंडीशन ये है कि आपने, आवाज आ रही है सर? हाँ सर आ रही है, बोलो। भाई का कहना ये है कि ये केस हार चुके हैं, तो आप ये केस कैसे हार गए? आप बोल रहे हैं अपील कर देंगे तो मिलेगा, ये बोल रहे हैं कि हमने अपील करी और हम केस हार गए वो जीत गया, इस पे थोड़ा सा मार्ग नहीं सर, ना अपील ही नहीं गए, इन्होंने अपील ही नहीं करी है सर, इन्होंने अपील नहीं की है। इन्होंने क्या किया, अपील अगर वहां पे एक बाइनेंस पे अपील करने का ऑप्शन आता है, वहां पर एक अपील करना था, इन्होंने अपील नहीं करी, तो बाइनेंस क्या करता है आपको दूसरा ऑप्शन देता है कि वहां पर मेल वाले ऑप्शन पे जाके करते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई हार सकता है, मेरे को ऐसा लगता है एक बार मेरे को भी सीखने को मिलेगा, ऐसा कोई इशू हम डिस्कस कर सकते हैं। मेल किया ना उसमें, हो सकता है मैं कल आऊं उसका पूरा प्रूफ लेके, क्योंकि अदर है वो भाई टीम में, नहीं जरूर हो सकता है ऐसे कुछ हमको भी नया सीखने को मिले, हो सकता है जरूर, हो सकता है ऐसा हुआ हो तो एक बार सीखने को भी मिलेगा और सिखाया भी है। राजेश भाई आपको चंदन भाई की तरफ से कॉम्प्लीमेंट आया है, राजेश जी की नॉलेज को सलाम है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की और जरूरत है। या थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपका, चंद मोहन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है राज भाई चंद मोहन की तरफ से। अनिल सर थैंक यू, चंद्रमोहन भाई थैंक यू सो मच। अनिल सर जी, अभी हम लोगों के साथ जो मतलब हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सचिन पाटिल सर जुड़ गए हैं, वो भी बाइनेंस के बहुत मतलब अच्छे, दिन भर बाइनेंस पे रहते, वो भी दो शब्द बोलना चाहते हैं, बार बार मुझे मैसेज कर रहे, तो जरा उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जी जी, क्या नाम है सर का? सचिन पाटिल सर, मेरे अपलायंस है मुंबई से। जी 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 जी, सचिन भाई नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। अनिल भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, शायद हम लोग गोवा में मिले थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आया याद आया। हाँ बहुत बहुत आपका और मेरा सर पूरे टीम का थैंक यू करना चाहूंगा, कि बहुत बड़ी चीज आप पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहे और हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आपसे सीख रहे, तो हम लोग को गर्व होता है कि एक ऐसा बंदा है जिसका कोई मतलब उसका कुछ लेन-देन नहीं है ऐसे लोगों के साथ भी। आप एसेंस में तो सर जबरदस्त, मनमोहन सिंह से भी आगे है सर एसेंस में। हाँ तो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे लोगों को, और आपसे हम लोग ने सीखा है और सीख रहे, और अभी जो राजीव भाई ने जो अभी बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, तो ये सारे आपके आज वज़े? तो राजेश भाई के लिए मैं इतना वो हूँ यार, राजेश भाई आपके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, लोगों ने देखी ना आपके लिए कॉम्प्लीमेंट कितने दिए हैं, देखो वाह थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का सर, आपका प्यार आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच आप सभी दोस्तों को, बहुत बहुत थैंक यू, रियली वेरी थैंक यू फ्रॉम बॉट ऑफ माई हार्ट। यस सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है ये अनिल सर का ही सब आशीर्वाद और ज्ञान है जो नहीं नहीं ये आप दोस्तों का प्यार है जो मुझे इतनी लेट नाइट तक बैठा ही रखता है मीटिंग। आपने हम जैसे लोगों को मौका दिया सेशन लेने का, तभी तो हम लोग उधर कर आ रहे हैं, तो जो आपके साथ में रहेंगे जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे आज मीटिंग बंद करो, तब तक आपके साथ में 200, 250, 300, 400 लोग, मैंने देखा है रात को एक एक 12 बजे तक 1 बजे तक 200-400 लोग रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जिनको दोस्तों थोड़ा सा मेरा बात हार्ट लगेगा, जो लोग आके स्क्रीन के ऊपर उंगली करते हैं ना, आपको सीखना नहीं है ना तो सीख मत, ये मीटिंग आपके लिए नहीं है,
लेकिन कई सारे लोग सीखना चाहते हो, ये जो चीज आज सिखा रहे सर वो बाहर लाख लाख रुपए देके लोग सीख रहे, लोगों को पता भी नहीं बाइनेंस के ऊपर केवाईसी कैसी करनी है, लोगों को पता भी नहीं ये कैसा फंड विड्रॉल करना है, लोगों को कुछ पता नहीं है बाइनेंस के बारे में, और ये चीज सीख लीजिए आप लाख रुपए देके ये ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, इसको सिखाने के लिए सर ने फीस रखनी चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली कहना है, क्योंकि लोग ईमानदार से सीखे, क्योंकि ये फोकट की चीज लोगों को समझ में नहीं आती है चीज, क्योंकि ये मैं कई बार कई दिन से ये देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मीटिंग में रहता हूँ लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग आते ये स्क्रीन के ऊपर उंगली करना, बीच में कुछ अलग चार्ट लगना, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सक्सेस के लिए आपके हानिकारक ये चीज है, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी पता लोग नहीं उनको, पाटिल भाई पता नहीं उनके पास रात को 11 बजे तक इतना टाइम कैसे है, नहीं उनको फिकर ही नहीं, कोई सपना ही नहीं है, उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हो, आपका जैसा लगन है लोग इसको एजुकेट करें, और एजुकेट करने के लिए इतना ईमानदारी से आप सिखा रहे, वो चीज अगर वो अंदर सीख नहीं सकता है तो कम से कम सुनने के तो कोशिश करो, या तो आउट हो जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है आपको, कोई फोन करके बुलाया नहीं आपको यहाँ पर जुड़ो करके, आपने तो रॉयल को 10,000 दिया है, लेकिन अनिल सर ने कई सारे लोगों को यहाँ पर ट्रेडर बना दिया यार, थैंक्स भाइयों का प्यार है भाई। राजेश भाई पाटिल सर एक बार बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा, आज के सेशन के रिगार्डिंग एक भाई का क्वेश्चन आया है, दिनेश भाई का क्वेश्चन है कि ट्रांसफर नोटिफाई पहले करेंगे एंड बाद में पेमेंट फेल्ड हुआ तो क्या होगा? जी राजेश भाई, हाँ कोई दिक्कत, जी सर उसमें क्या करता है, हम ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पेमेंट नहीं किया और पेमेंट फेल हो गया तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे अपील करने का, तो अपील से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं वहाँ पर आराम से, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आप बाइनेंस पे एक दिन में 24 घंटे में केवल 3 बार आपको कैंसिल करना है, यानी कि 2 बार कैंसिल किया तो तीसरा ऑर्डर लगा सकते हैं, अगर आपने 3 बार ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो चौथा आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो पी टू पी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल बहुत बढ़िया राजेश भाई, थैंक्स। जी पाटिल जी तो माफी चाहूंगा बीच में डिस्टर्ब करने, क्योंकि सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे ना, तो लोग कभी भी सर, एक चीज और मैं पीटूपी के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ, कई बार एक ऑप्शन और होता है यहाँ पर, एक जगह और फंसता है हमारा बंदा, कि अगर हमने उसने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन नहीं दबाया है ना, तो ये एक बार तो हमने पेमेंट तो हो गया क्योंकि हम लेट हो गए, नेटवर्क चला गया लेकिन पैसा फंस गया क्योंकि ट्रांसफर नोटिफाई, उस स्थिति में क्या करना है ना, अभी तक तो हमने क्या सीखा था, पेमेंट किया है ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर भी बटन दबा दिया लेकिन सामने वाला बंदा यूजीटी भेज नहीं रहा है, तो हम अपील अपील जाएंगे, लेकिन कंडीशन दूसरी है यहाँ पर कि पैसा तो चला गया लेकिन ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर नहीं दबाए, तो अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका पैसा यहाँ पे भी नहीं फंसेगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर, बिल्कुल सर, सर इसके मेरे को ऑप्शन दे सर थोड़ा सा, आज तो सर जब मतलब एक एक भाई का मतलब मैसेज आया है, बहुत बढ़िया राजेश भाई, बट स्पीड थोड़ा सा बाद में, ओके ओके सर, नहीं नहीं सर चलो जाए, एक्चुअली सर मैं क्या होता है सर, ये प्रॉब्लम क्या होती है, मैं थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ, और मेरा पर्सनली जूम आपके टाइम पे चलता है सर, कि मेरी टीम को जूम में जब देता हूँ तो 8 से लेकर 8:30-9:30 तक भी चलता है, तो बहुत बार मैं आपके भी जूम नहीं ले पाता हूँ और टीम भी नहीं ले पाती है, मैं देखना चाहता हूँ आपके, तो आप रिकॉर्डिंग वीडियो आपकी मैं देखता हूँ, मेरी टीम भी देखती है नोट, तो मौका भी नहीं मिल पाता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है आपके, आपकी मीटिंग में भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम, जिन लोगों को स्पीड थोड़ा सा लग रही है तो वो रिकॉर्डिंग करवा दी है, आराम से म्यूट कर करके स्लो कर करके सारे तरीके से देख लेना, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है सर, स्पीड इसलिए कि देखो दुनिया बहुत तेज गति से चल रही है और अगर स्पीड के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे दोस्तों, रॉयल क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत स्पीड के साथ पैसा दे रहा है, आपको आपने देखा होगा नेटवर्क इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी टीम वर्क हो या कोई भी बिजनेस हो, आपको 3-4 साल बाद रगड़ना पड़ता है, उसके बाद आप इस काबिल बन पाते हो कि कुछ पैसा लाख रुपए कमाने की सोच सकते हो 3-4 साल मेहनत करने के बाद में, लेकिन रॉयल क्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्पीड में पैसा कमाना सिखाता है, स्पीड में मेहनत दोस्तों, आपको अपनी स्पीड धीरे नहीं करनी है, स्पीड धीरे कर ली तो बहुत लेट हो जाओगे, क्योंकि ये सोच के चलना है आप इसको, ऐसा समझिएगा कई लोग दोस्त ये रॉयल को सिर्फ 12 महीने के मिला है दोस्तों, समझिएगा 12 महीने के, कुछ ये दोस्त सोचते हैं 2 महीने तो हुए यार दोस्तों, आपको ये सोचना है कि 2 महीने निकल गए केवल 10 महीने बचे हैं, मेरे 3 महीने निकले केवल मेरे पास 9 महीने बचे हैं, सिर्फ ये देखे कितने महीने बचे हुए हैं,
तो आपके अंदर आग लगेगी काम करने। एक एक दिन निकल रहा है, रॉयल को केवल 12 महीने के लिए मिला है, तो इन 12 महीनों में आपको वो लेवल अचीव करना है, V6 तक जाना है, और V6 तक जाना ही नहीं है, V6 पे रिलैक्स होकर एकदम से फोर्थ गियर में गाड़ी चला के एकदम से रिलैक्स होकर पैसा भी कमाना है दोस्तों। स्पीड में चलेगा, इसलिए मेरी भी स्पीड तेज है, बोलने की भी स्पीड है तेज है, सिस्टम की भी स्पीड तेज है, तो दोस्तों बस इसलिए थोड़ा स्पीड के साथ चलिए। मैं मुद्दे पे आता हूँ बबलू भाई, आप इस बैलेंस पे हम जी सर मेरी स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है, मैं बाइनेंस पे जाता हूँ और बाइनेंस पे हम एक इशू डिस्कस करने वाले थे कि पेमेंट किया और हमने ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन नहीं दबाया, राइट। तो हमारे साथ क्या होता है, मैं इसको एक बताता हूँ कि जब भी ट्रांसफर नोटिफाई के सेलर नहीं दबाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कहाँ पर, यहाँ पे आपको कहाँ पे आपको P2P जाना है, P2P जाना है, तो आपका जो पैसा है वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सेल बाय सेल, और उसके सामने जो सिम का जैसा निशान है उसी सिम के नीचे निशान पे चला जाना है, और आपको क्या करना है कि कौन सा ऑर्डर है जो आपका पैसा तो चले गया, मतलब क्या होगा आपने पैसा ट्रांसफर किया राइट, और वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है राइट। कैंसिल दो तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है कैंसिल होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कैंसिल आपने किया हो या ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स दिख रहे हैं तो आपको कैंसिल ऑप्शन में एक ऑर्डर का एक देख लेता हूँ, यहाँ पे देखो कोई ना कोई ऑर्डर, हाँ ये देखो ये एक ऑर्डर मेरे को मिल गया है, कौन सा, ये वाले कैंसिल का ऑप्शन। तो इसका मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो है ये वो ऑर्डर है जो मैंने पेमेंट तो कर दिया था लेकिन मैंने क्या किया ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर बटन दबाना भूल गया था और ये ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब मेरा पैसा तो फंस गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ पैसा नहीं फंसा, क्या करना है आपको यहाँ पे इस ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेना है, इसी ऑर्डर पे कौन से ऑर्डर को जो कैंसिल हुआ है, पेमेंट चले गया लेकिन ऑटो कैंसिल हो गया है, इस पे चले जाना है, और ऑर्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की डिटेल्स आपको दिख जाएगी यहाँ पे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलर का जो नेम है, ये जो सेलर का नाम दिख रहा है उस सेलर के नेम पे चला जाना है, इस सेलर के नेम पे चला जाना है, और सेलर पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्या ये एक ऑप्शन है, पेज खुल जाएगा राइट। अब इस पेज पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ये जिस नाम से किया था वो राइट, और आपको क्या करना है यहाँ पर एक ऑर्डर और प्लेस कर देना है राइट। क्या करना है, बाइनेंस की कंडीशन है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बाइनेंस कहता है, क्या कहता है कि यहाँ पर ऑनलाइन एड्स राइट, अगर वो सेलर ऑनलाइन है तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे किस पे, इस यहाँ पे ऑनलाइन सेल एड्स राइट, अगर वो सेलर ऑनलाइन है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो सेलर आपको दिख जाएगा राइट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो और दिख जाएगा। अभी जैसे वो सेलर ऑनलाइन नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, इसके लिए एक सीधा ऑप्शन हमारे पास दूसरा क्या बचता है, कभी कभी यहाँ से वो नहीं भी दिखता तो आपको क्या करना है, आपको उस सेलर को देखना है, JSP दीपक। अब देखो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका पैसा जा चुका है और आपका पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत, मैं आपको बताता हूँ पैसा नहीं फंसेगा तो आपको क्या करना है, ये JSP दीपक को सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करेंगे, इसको हमको वापस से यहाँ चले जाना है, बैक किया GSP दीपक, अब GSP दीपक को कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जाना है एक्सप्रेस पे, एक्सप्रेस पे जाने के बाद P2P ट्रेडिंग पे चलेंगे, P2P ट्रेडिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे उस ट्रेडर का नाम देखना है GSP, यहाँ पे उसी सॉरी यहाँ पे जो नाम दिख रहा है ना ये इरफान है, वहाँ पे GSP को ढूंढना है, टाइम जरूर लगेगा वो GSP को ढूंढना, मैसी क्रिप्टो आपको यहाँ पर आप देख लोगे कोई भी GSP के नाम से मिला तो उसी को GSP के पास ढूंढ लेना है। अभी सपोज जैसे मान लो मैं कोई भी ऑर्डर पे चला जाता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ GSP अगर या तो अभी मिल जाता है, नहीं मिलता है, अभी सपोज मैं आपको बोलता हूँ GSP की जगह वो बंदा था सपोज मेरा कसूरी राइट, तो मेरे को मिल गया वो, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ यही मेरा GSP है राइट, अभी ये कसूरी है लेकिन GSP के लिए आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है, टाइम जरूर लगेगा, जैसे यहाँ पे AB ट्रेडर है उसको, अब उसी को क्या करना है उसी पे ऑर्डर प्लेस करना है, उसी पे आपको क्या करना है ऑर्डर प्लेस कर देना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के बाद जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया था उतना ही अमाउंट यहाँ पे डाल देना है, सेम उतना ही अमाउंट डाल देना है जितना आपने ऑर्डर प्लेस किया था राइट। सपोज जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 10,000 का ऑर्डर मिनिमम, अब देखो यहाँ पर मैं 10,000 कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से इसने लिमिट दे रखी है मिनिमम 50,000 की, तो मैं ऐसे सेलर को यूज करता हूँ जिसका अमाउंट कम है
राइट, आप नीचे चले जाएंगे तो नीचे कम अमाउंट का मिल जाएंगे हमको, राइट। अभी देखो आपके सामने ये सतेंद्र आया, राइट, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ ये वही सतेंद्र है जिसको मैंने पैसा तो भेज दिया था, लेकिन इसने मेरा ट्रांसफर नोटिफाई का सेलर बटन नहीं दबाया तो मेरा फंड फंस गया। तो हम क्या करेंगे, इसी सतेंद्र को सेलेक्ट कर लेंगे। सतेंद्र को सेलेक्ट किया और देखो वही आ गया हमारे पास, सेम वैसा के वैसा ऑप्शन हो गया जैसा हमारा वो दिख रहा था, ये सतेंद्र दिखा। अब सतेंद्र को यहाँ पे दिखेगा तो आप सतेंद्र को नीचे जाएंगे तो यही ये सतेंद्र मिल गया, राइट। आप सतेंद्र के बाय ऑर्डर पे जाएंगे, राइट, बाय पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सपोज जैसे आपका 2000 रुपये का आपने पेमेंट किया था, 2000 रुपये डाल देंगे, राइट। और डालने के बाद यहाँ बाय विद जीरो फीस कर देंगे, ये बोल रहा है मिनिमम 40, ओके, बाय फिएट बाय क्रिप्टो, ये अमाउंट बोल रहा है, मैक्सिमम क्वांटिटी इज 40। सर जी, यस सर, आप जितना अमाउंट डालना चाहते हैं ऊपर देखिए ना, अमाउंट का ऑप्शन रहता है सर, उसके ऊपर वहां डाल देंगे तो जितने सेलर है ना। ओके ओके सर, यहाँ पे लिमिट दे रखे 500 रुपए, यस सर, 500 रुपए की लिमिट दे, 500 का हो जाए, हाँ लिमिट 500 से 49 तक की। वहाँ पे उसने डॉलर डॉलर में डाल रखा है तो जितने डॉलर उसने दे रखे उतने ही सेल हुए, 40.19 INR में, नहीं सर, INR में नहीं, उसने INR में डाल रखा है लेकिन उसके बाद भी INR में नहीं ले रखा है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है क्यों नहीं ले रहा है, लेना चाहिए क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे पांच, यहाँ पे भी शायद उसका पे, हाँ जी 400 है नीचे अमाउंट, नहीं नहीं नीचे 400 है लेकिन इनके बिट उन्होंने क्या बोला है 39 रुपए से लेके 500 रुपए तक वो बेच सकता है, उसके पास इतना है USDT, यही वो बता रहा है। तो मैंने उसके बीच में डाल दिया 400 रुपए, तो 400 रुपए लेना चाहिए था, है ना। मैं ये बता नहीं कह रहा, चलो कोई भी इशू रहा, लेकिन आपको क्या करना है जितना अमाउंट सेलर को होना है यस सर, ये भी हो सकता है उसने बेच दिया हो, ये भी सही कह रहे हैं आप। इसके लिए बोल रहा हूँ, कॉर्नर में जो अमाउंट है ना, आप जितने अमाउंट से खरीदना चाहते हैं वहाँ पहले डालेंगे तो उस अमाउंट में कितने सेलर अवेलेबल है उनकी लिस्ट निकल के आ जाती है। बाय के लिए नहीं, नहीं सर, बाय के लिए हम फिल्टर पे कह रहे हैं सर, फिल्टर कर लो वहां से आ जाएगा जी। नहीं नहीं सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं हमारा टॉपिक क्या है, नहीं सर हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि उसी, हमारा टॉपिक USDT बाय करना नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि उसी सेलर को फाइंड आउट करना है कि जो सेलर ने हमारा पैसा हमने उसको भेज दिया है और लेकिन उसने USDT रिलीज नहीं किया है, तो हमको उसी सेलर को यहाँ पर जाना है, उसी सेलर को ढूंढना है और ऑर्डर लगा देना है, और ऑर्डर लगाने के बाद आपको सारे फिल्टर में दे चेक कीजिए ना ऊपर राइट साइड में, फिल्टर में सर, फिल्टर में सिर्फ हमको अमाउंट मिलेगा, अमाउंट से हम फिल्टर में सर हमको ये चीजें मिलती है, हाँ, आप सिर्फ यहाँ पे UPI से पेमेंट कर रहे हो या बैंक, हाँ हाँ। और दूसरी बात, अभी बाइनेंस ने आपको जहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हुआ है ना वहाँ पे जाके उससे आप दोबारा अगर खरीदारी करेंगे तो वही सेलर, हाँ तो वही दोबारा वो तभी अवेलेबल मिलेगा जब उस बंदे ने फिर से सेल करने के लिए और डॉलर रखे हैं, राइट 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 सर, यस सर, तभी मिलेगा। अगर वो नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम उसको चेक करना है और एक ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको उसका ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का बटन दबा देना है, लेकिन पेमेंट नहीं करना है उसको, सेकेंड टाइम पे आपको पेमेंट नहीं करना है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर दबा देना है और उसको बोल देना है भाई मैंने पेमेंट पिछले ऑर्डर में पेमेंट किया आपका, अब मेरे को USDT भेज दे। नहीं नहीं नहीं, अटकाना नहीं है, बाइनेंस की कंडीशन है सर, अगर आपने ट्रांसफर नोटिफाई सेलर बटन नहीं दबाया लेकिन पेमेंट कर दिया है तो आप सेकंड ऑर्डर प्लेस करिएगा। यहाँ से कंसर्न क्या होने वाला है, कंसर्न ये होने वाला है कि उसका जो डॉलर है वो लॉक हो जाएगा और आपके पास पेमेंट के प्रूफ है तो आप वो पेमेंट के प्रूफ अगर उसको बाइनेंस को दे दोगे तो वो डॉलर आपको मिल जाएगा, जबकि वो जो जो यूजर था वो देना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी आपने ले लिया क्योंकि बाइनेंस की पॉलिसी वैसी है। तो सर इस टॉपिक के अभी चल रहा है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर तो भाई और कहना चाहता है कुछ तो मुझे चैट बॉक्स में डाल सकता है, बाकी हम सब जुड़े तो हुए हैं। अनिल सर, मैं और एक चीज, जो परचेसिंग के बारे में जो सर ने बताया P2P से, तो फंडिंग जाके वहाँ पे ये कर सकते, उसके बारे में एक बार मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। राजेश जी का माइक शायद ठीक से काम नहीं कर रहा क्या? राजेश जी आपका माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, लगता है। एक बार लीड को अपना थोड़ा सा सेट कर लीजिए। संदीप कुमार जी
अनिल सर आपकी तरफ से आ रहा है शायद ये, सचिन जी आपकी तरफ से, सर की तरफ से है जो अभी जुड़े हुए हैं ये। अनिल सर बाकी सबके माइक ऑफ कर दीजिए, जिससे अभी बात होनी है सिर्फ उन्हीं के माइक ऑन कर। सचिन पाटिल जी के माइक से प्रॉब्लम आ रही थी तो अभी मैंने बंद किया तो वो हो गया सही। सचिन जी अपने माइक को एक बार थोड़ा सा सही कर लीजिए सर, दोबारा से आपको मैं परमिशन दे दूंगा उसको। ईयरफोन निकाल दीजिए, वैसे फोन से भी आवाज आ जाएगा अगर ईयरफोन है तो। यस सर, अभी आवाज आ रही है सर? ठीक है, हाँ क्लियर। यस सर। अरे सर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था ये तो कानों में ऐसे लग रहा था ना। नहीं ईयरफोन की वजह से शायद कुछ हो गया होगा। मैंने ईयरफोन निकाल के वापस लगा दिया तो उसके वजह से वो ये हो गया होगा। अभी क्लियर है ना सर? क्लियर है, क्लियर है। यस सर, मैं और एक चीज सर, जो फंड जो परचेस करना है राजेश भाई ने जो बताया, और एक जगह से हम लोग परचेस करते हैं जैसे अनिल सर ने शायद उसको पहले बताया था। हाँ ये मेरा बाइनांस का अकाउंट है तो बाइनांस के अकाउंट से सर ने जो पी टू पी का ऑप्शन बताया जो फंड परचेस करना है तो आप यहाँ पे वॉलेट में क्लिक करके। जयराम सर आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। मेरी सर स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ क्लियर, क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर, सर ने यहाँ पे होम ऑप्शन में पी टू पी जो सर ने बताया, और एक जगह से हम लोग पी टू पी पे जा सकते हैं। जैसे वॉलेट में जाके हम लोग स्पॉट में अपना फंड जैसे चेक करते थे, यहाँ पर फंड अपना दिखता है, लेकिन यहाँ पर फंडिंग में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है फंडिंग के, यहाँ पर पी टू पी, यहाँ से पी टू पी में जाके अगर पी टू पी में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा जाना है आपको फिल्टर में। यहाँ पर फिल्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिल्टर में जाके भी यहाँ से ऑप्शन परचेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं, जैसे यहाँ पर फिल्टर को क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट डालना है। मान लीजिए आपको 1000 रुपये का आपने अमाउंट डाल दिया है तो आपको किससे, फोन पे से करना है, गूगल पे से करना है, यूपीआई से करना है, यहाँ पर सारी चीजें दी है। तो मैक्सिमम आप फोन पे और गूगल पे से करिए क्योंकि उसके अंदर सामने वाले का कांटेक्ट नंबर होता है तो कांटेक्ट करने के लिए आपको आसानी हो जाती है। यहाँ पर आपने फोन पे और गूगल के कोई भी एक सिलेक्ट करना है, मान लीजिए फोन पे किया तो फोन पे का ही ऑप्शन नीचे, यस करोगे तो फोन पे वाले ही सब नीचे आ जाएंगे। तो ये सारे नीचे फोन पे वाले है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं उनके पास कौन कौन सी सुविधा है। यहाँ पर नीचे है फोन पे वाले, तो ये सारे जिस फिल्टर में जाके उसको फिल्टर करोगे तो फोन पे वाले आ जाएंगे। जैसे फोन पे वाले आ जाते तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालने के बाद, मान लीजिए आपने 1000 रुपए डाला है तो 1000 वाले सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर चार्ट बॉक्स में उसको हाई डालना बहुत जरूरी है, इसने उसका कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। जब तक हाई का उसका रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आपको पेमेंट ही नहीं करना है। मतलब ये सारी मगजमारी करने के लिए आपको ज्यादा ये नहीं लगेगा, नए लोग है ज्यादातर करके उसको उसका रिप्लाई आ गया। जैसे रिप्लाई आ जाएगा तो हम लोग मेक अ पेमेंट जाके वहां पर उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फोन पे पे सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट फोन पे पे जाके वहां पर। यस, ये नोट है काफी नए यूजर के लिए दोस्तों, कि आपको जब भी पेमेंट करने है, करते हैं ना किसी को तो इसी साइड से जरूर करें, पहले पेमेंट करने से पहले हाई कर दे, हाई कर दे या जो भी कुछ आप आई एम डूइंग पेमेंट लिख सकते हैं, आई विल पे लिख सकते हैं, ऐसे जो भी ऑप्शन। लेकिन हाई सबसे अच्छा है, बहुत सारे लोगों को वो लिखने की भी दिक्कत होती है तो सबसे आसान है हाई भेज दो, सामने वाले का आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो जैसे रिप्लाई उसका आ गया तो यहाँ पर जाके यहाँ पे पेमेंट कर सकते, सॉरी यहाँ पर उसका नंबर है, नंबर के सामने इधर जो स्क्वायर बॉक्स है उसको क्लिक करना है, वो नंबर कॉपी हो जाएगा, ये नंबर कॉपी हो जाएगा, ये नंबर जैसे कॉपी हो जाएगा उसके सामने उसका नाम भी है, ये नाम पढ़ के आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ऑर्डर यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ अगर मुझे अगर पेमेंट नहीं करना है तो। मैं अभी ये एक चैप्टर है जहां से मैंने आपको दिखा गया, यहाँ पे एक आसान ही है सामने वाले को वेरीफाई करना और सामने वाले से पेमेंट लेने के लिए, फंड लेने के लिए। तो ये एक आसानी है क्योंकि बहुत सारे लोग को, नए लोग को पता नहीं होता है पी टू पी से आधा इधर उधर, तो सीधा यहाँ से जाएंगे तो आपको कोऑर्डिनेशन करके जानते हो तो ये सिस्टम से एक आसानी है सामने वाले से फंड लेने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, थैंक्स सर। और यहाँ पर आपको नोटिफाई सेलर करना है। जैसे पेमेंट करते तो पहली बार आप अगर आप करने जाएंगे तो नोटिफाई सेलर होगा नहीं क्योंकि
बहुत सारे उसमें दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहली बार में नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा पे करेंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफाई सेलर हो सकता है, क्योंकि नए जो बंदे होते हैं उनका नहीं होता है उनका। जी यस सर, यस सर, थैंक्स पटेल भाई, काफी अच्छा आपने सपोर्ट किया। थैंक यू सर बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों। आज की मीटिंग कैंसिल भी कर सकते हैं यहां से। जी ऑर्डर में स्पेशल आज की मुझे लगता है कि P2P की रिगार्डिंग ही रही है, काफी दोस्तों के क्वेश्चन आंसर थे और अभी भी काफी दोस्त हैं अपने साथ लाइन पे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर अगर आपके जो अभी तक का सेशन रहा है इसके रिगार्डिंग अगर आपके भी और क्वेश्चन आंसर है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर जिस दिन अपना टेक्निकल सेशन होता है यहाँ कोई हिलता नहीं है, देखिए अभी 200 लगभग 200 के समथिंग लोग प्रेजेंटेशन के दिन तो अभी तक आधे से भी कम रह जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन टेक्निकल के दिन कोई हिलता नहीं, उनको पता है अपने को हफ्ते में एक या दो दिन ही मिलता है। क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, किसका है, निर्मल व्यास भाई ने अनम्यूट का हैंड रेज किया है। निर्मल भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, हेलो जी निर्मल भाई। सर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या सर? हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे बता दीजिए। सर मैंने एक्चुअल में ट्रेड लगाया था और वो ट्रेड में फंड मेरा जो है वो शॉर्ट हो गया, तो मेरे पास मैसेज आया कि फंड आपका शॉर्ट हो गया है, तो मेरा ट्रेड रुक गया। कहां पर लगाया था आपने? सर एक्चुअली मैंने सर्किल ज्वाइन कर रखा था, क्यूक्यू सर्किल। तो आपने क्यूक्यू सर्किल ज्वाइन कर रखा था? यस सर। और तो आपके मेरे पास मैसेज आया इनसफिशिएंट फंड का? यस सर। वो क्या है, आपका जो मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड होना चाहिए वो फंड खत्म हो गया वहां पे मार्केट डाउन आने की वजह से। हाँ सर वो फंड खत्म हो गया, तो मुझे मेरे अप्लाई ने बोला कि आप फंड इसमें डालिए, फंड शॉर्ट है आपका, तो मैंने फंड उसमें डाल दिया। और तो फंड डालने के बाद में मेरा जो एक कॉइन पे ट्रेड था वेट करके VET, वो ट्रेड उसपे अब उसपे मेरे को ना मैसेज तो आ रहा है कि मेरा ट्रेड हो रहा है, सेल बाय भी हो रहा है, मेरे पास न्यूज में मैसेज आ रहा है, लेकिन मेरे को वहां पे प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है। मैं रेवेन्यू में? हाँ रेवेन्यू में। और वो मैं पूछ रहा, डाउन मार्केट है, आपने सबमिट मोड ऑन किया होगा ना कि सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने तो क्या सर, एक बार हाँ आप शेयर कीजिए ना अपना, एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे तो पता चलेगा क्या है एक्चुअल में। यस सर मैं शेयर करता हूँ सर, एक मिनट। अरे ये रिप्लाई तो मैंने दे दिया यार, जयराम भाई को हैंडल कर, जयराम भाई आप हैंडल कीजिए ना। जी बिल्कुल सर, ये दिख रहा है सर आपको मेरा स्क्रीन? हाँ वेट पे क्लिक करिए सर, एक मिनट में रेवेन्यू पे जाता हूँ। तो आप देखेंगे कि 22 तो को मेरे को आया था, उसके बाद में 23 और 24 को मेरे पास नहीं आया, तो मेरे को मेरे अप्लाई ने बताया कि आप फंड डालिए, तो मैंने फंड इंक्रीज किया, तो उन्होंने एक एडा और लगा दिया मेरा, और उसका एडा का मैसेज तो मेरे पास आ रहा है, उसका प्रॉफिट भी शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें जाता हूँ वेट पे, तो वेट पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में देख रहे हैं तो मैसेज तो आ रहा है, जैसे ये अभी का मैसेज आया हुआ है कि मेरे को ये सेल हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट मेरे को शो नहीं कर रहा है वहां पे कि भाई इसका प्रॉफिट आया। वो मेरे को कह रहे हैं कि ये फ्लोटिंग लॉस को कवर कर रहा है, यहाँ पे जो 38 ये फ्लोटिंग लॉस है इसको कवर कर रहा है, तो ये मैसेज क्यों नहीं आ रहा मेरे पास इसका? सर वेट को जरा क्लिक कीजिए। ये सर ये कर लिया, सबमिट मोड तो लगा हुआ है, बराबर है। स्ट्रेटजी मोड पे क्लिक कीजिए। हाँ स्ट्रेटजी मोड पे क्लिक करिए, नहीं वो लगा हुआ है सर, इनका ये वजह है। ये देखिए बराबर, ये जो सबमिट मोड है ना सर आपका? यस सर यहाँ पे जो सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट है, इस पे अगर ये आपका होता वो रेवेन्यू में शो करता। अच्छा तो ये सर्कल सर ये क्यू सर्किल है?
सर सर्कल वाले आजकल बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मेरा भी एक बार हुआ था, मैं नया नया था, अनिल सर को दिखाया था, वो उन लोगों ने मेरा एक्सएसपी में ट्रेड चल रहा था और सबमिन मोड ऐसे एक्टिवेट नहीं किया था उन लोगों ने। तो अच्छा सर, तो ये अब सर मुझे क्या, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, रियल टाइम सेटलमेंट कर दीजिए ना, अगर आप प्रॉफिट शो करना चाहते हैं तो। नहीं होगा ना सर, वो 5 बार से ज्यादा ले लिया है, 15 बार उठा लिया ना, ये हो जाता है सबमिन मोड से, सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट में हो जाता है। अच्छा हो जाता है क्या सर, कीजिए एक बार लाइव, कीजिए सर एक बार लाइव कीजिए, सबमिन मोड रियल टाइम सेलेक्ट कीजिए, कंफर्म करो सर, हां कंफर्म, फिर दोबारा चेक कीजिए, वेट पे जाइए, प्रॉफिट शो करने बिल्कुल, एक चीज जब हमारा अगर 5 मार्जिन कॉल हिट हो जाते हैं तो हम वॉल वेयर हाउस मोड से सबमिन मोड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सबमिन मोड से सबमिन मोड रियल टाइम या रियल टाइम से सबमिन मोड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक चीज और मुझे बताइए सर, सर एक चीज और बताइए मेरे को कि जैसे मैंने ये जो मेरा पीछे का जो प्रॉफिट शो ऑफ नहीं हुआ है तो वो प्रॉफिट क्या मेरे पास एक एक साथ आ जाएगा या कैसे आएगा उसमें, क्योंकि तो ऑलरेडी आपका बाइनेंस पे एड हो चुका है यूएसडीटी में, बस रॉयल्टी में फर्क ये है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक सेकेंड, यहां पर कोई भी आपका ट्रेड चल रहा है ठीक है, यस सर, जैसे मैं अपना ही ले लेता हूं, इथेरियम का है और इथेरियम में मेरी ये ट्रांजेक्शन चल रही है, यस सर, यस सर, ये मेरा प्रॉफिट है, मैंने रियल सबमिन मोड को ऑन करके रखा है रियल टाइम को ठीक है, ये मेरा यहाँ पे शो कर देगा, ये यहाँ पे शो कर देगा रेवेन्यू में ठीक है, ठीक है सर। लेकिन इसकी बजाय मैंने इथेरियम में अगर मैं यहाँ पे इसको सबमिन मोड पे क्लिक करके कंफर्म करता हूं तो मेरा यहाँ पे इथेरियम की अगर आप ट्रांजेक्शन में चेक करने जाएंगे तो ये तो आपको दिखेगा, ये आपका बाइनेंस पे एड भी हो जाएगा, लेकिन रॉयल क्यू में क्या करेगा, रॉयल क्यू में जो ट्रेड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे रेवेन्यू में प्रॉफिट शो न करके, ये यहाँ पे प्रॉफिट शो न करके आपका इस जो रिटर्न रेट है ना, ये इस रिटर्न रेट को कम कर देगा, ये फ्लोटिंग लॉस को कम कर रहा है। हाँ फ्लोटिंग लॉस इसको नहीं बोलते, फ्लोटिंग लॉस इसको बोलते हैं, ये है रिटर्न अच्छा, रेट अच्छा। ओके ओके ओके, इस रिटर्न रेट को कम करता लेके आएगा, नेक ऊपर जो आपका रेवेन्यू में है वो आपका हिस्ट्री में शो करेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको दोनों से होना है बाइनेंस पे। ओके तो सर एक चीज, दोनों में फर्क यही है भाई। एक चीज और सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी जो वेट पे मैं देख रहा हूँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में, तो उसमें मेरा फ्यूल फी वगैरह नहीं कट रहा है, बाकी जैसे नीचे के जो मेरे ट्रांजेक्शन हुए उसमें फ्यूल फी कट रहा है मेरा, फ्यूल फी क्यों नहीं कट रहा सर इसमें, जैसे एक बार आप मुझे स्क्रीन शेयर करने का, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, होस्ट है भाई, यस सर, यस सर, एक मिनट में जरम भाई आप अवेलेबल है ना, जी 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 जी, जैसे जैसे सर ये जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो मैं इसमें देख रहा हूँ तो इसमें मार्जिन कॉल के 16 के नीचे फ्यूल फी नहीं कटा मेरा, जबकि मैं इसमें अगर थोड़ा नीचे जाके देखता हूँ तो इसमें मेरा फ्यूल फी कट रहा है, इसमें शो ऑफ नहीं कर रहा अभी, ये इसमें कर रहा होगा, तो इसमें फ्यूल फ्यू वाला ऑप्शन आ रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा इसमें, वो क्यों नहीं, ये जैसे इसमें आ रहा है देखो फ्यूल फ्यू कट रहा है, जैसे कहां पे है ये, जैसे इसमें अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना 1.0.13, तो इसमें फ्यूल फ्यू कट रहा है मेरा, जबकि ऊपर की जो सेल्स है जैसे इसमें मैं जा रहा हूं तो इसमें मेरा फ्यूल फ्यू नहीं कट रहा है। जबकि अब मेरा तो अब मेरा फंड भी, यस सर, अब मेरा फंड भी है मेरे पास में, अच्छा फंड है यहाँ पे पड़ा है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है कि फंड की शॉर्टेज हो,
274 दिखा रहा है यहाँ पे, एक बार फिर क्लिक करना उन पे वेट पे सर। जिस पे आप बता रहे थे फ्यूल कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ट्रांजिशन रिकॉर्ड में जाइए। यस सर, यस सर, क्लिक कीजिए सबसे ऊपर जो सेल है। हाँ ये कर दिया मैंने सर क्लिक। इसमें फ्यूल चार्ज नहीं है, इसमें फ्यूल फी चार्ज नहीं दिखा रहा सर, जबकि नीचे का जो ट्रांजेक्शन है। जैसे इसमें फ्यूल फी चार्ज दिखा रहा मेरा, तो ये ऊपर के जो सेल्स हुए वो कह रहे हैं फ्यूल फी इसलिए नहीं ले रहा है कि वो आपके एक साथ सारे सारा जो भी है वो कटेगा और सारा एक साथ आएगा, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, अगर सेल हुआ है तो मतलब आप प्रॉफिट हुआ है, जिसमें भी प्रॉफिट हुआ है तो फ्यूल चार्ज तो कटना चाहिए ना उसके साथ। हाँ कटना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, फ्यूल फी इसमें जैसे इसमें कट रहा है, बाकी सब में कट रहा है मेरा, ये देखिए सब में कट रहा है, सब में कटा है पहले, और वो उसका मैसेज भी आ रहा है, वो मेरे पास मैसेज में भी है, लेकिन इसमें फ्यूल फी भी नहीं कट रहा और ये प्रॉफिट भी मेरे को शो ऑफ नहीं हो रहा रेवेन्यू में। या इस पे वेट पे पहले आपका समिन मोड था ना? यस सर, यस सर, समिन मोड अगर है तो फ्यूल चार्ज नहीं कटता है ना? नहीं तो समिन मोड तो सर शुरू, समिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट में कटता है, समिन मोड खाली में नहीं कटता है। तो समिन मोड तो सर ये तो शुरू से ही था, सर्किल में थे तो उसमें तो मैंने तो कभी नहीं, किया नहीं है। यहाँ पे जब समिन मोड था उस टाइम का ट्रेड है ये, और बाद में आपने चेंज किया होगा इसको चेक करने के लिए। जब एक चीज याद रखना, जब अपना समिन मोड होता है ना उस टाइम पे फ्यूल चार्ज नहीं कटता है, और जब समिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट होता है उसी टाइम पे अपना फ्यूल चार्ज कटता है। अच्छा तो सर इसमें क्या डिफरेंस आएगा फिर? इसमें डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया वही है कि आपका अगर सबमिन मोड पे है तो आपका जो रिटर्न रेट है उसको कम करेगा, और सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट है तो आपके प्रॉफिट को रेवेन्यू में शो करेगा। बस बेस्ट रहता है अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, सबमिन रियल टाइम सेटलमेंट में ऑन करके हम रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको भाई कितना प्रॉफिट आया तो वो दिखाने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होता है, तो रियल टाइम सेटलमेंट में शो कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें इसीलिए शो नहीं कर रहा था। तो सर सर शो नहीं कर रहा था तो क्या ये जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ वो मेरे बैलेंस में अकाउंट में चला गया? वो तो प्रॉफिट तो आपको दोनों ट्रेड से हो रहा है भाई, आप समझे नहीं, बस एक रिकॉर्ड शो नहीं करता है यहाँ पे रॉयल क्यू में, वो वहां पे आपके प्रॉफिट को रेवेन्यू में शो कर देता है। अगर समिन मोड है तो आपके रिटर्न रेट को कम करता है, बस यही डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके 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 ब्रो। हिम्मत सिंह राठौर जी, राठौर जी कैसे हैं? बढ़िया सर जी, अब आप समझ गए थे, फिर काट दिया मैंने फोन जो हुआ। ये जयराम भाई नहीं समझ पा रहे थे ना, मैं अब आपने ये चैट भी अनम्यूट कर रखी, मैं लिख भी नहीं पा रहा था इसलिए कॉल करना पड़ा। कोई बात नहीं सर, बताएं। तो वो समझ गए अनिल जी, हो गई बात। कुछ शरारती तत्व है ना सर, वो परेशान कर देते हैं, अनिल सर का फोन हैंग होने लगता होगा मैसेज देख देख। नहीं तो मजबूरी में मैं लिख नहीं पा रहा था फिर, इसलिए उनको अनिल जी को कॉल किया, पर वो मेरे कॉल से पहले ही बोल चुके थे, जो फिर मैंने काटा। मैं वही बोला सर, कुछ शरारती तत्व तो हैं, उल्टे पुल्टे मैसेज करते हैं तो उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई वैसे रियल टाइम सेटलमेंट रखना चाहिए, ताकि उससे क्या के प्रॉफिट शो हो। मैं किसी को दिखाऊं तो क्या दिखाऊं, अगर वो होता सबमिन मोड होता तो प्रॉफिट दिखता नहीं है ना रेवेन्यू में, इसलिए रियल टाइम सेटलमेंट रखना चाहिए, ताकि उससे क्या कि मैं आपको दिखा तो सकूं कि मेरे कितना प्रॉफिट आया आज दिन का। बिल्कुल, ये कहना चाह रहा था मैं। आज तो बबलू भाई से बात नहीं हुई है, बबलू भाई कहाँ है आप? बबलू भाई ने एंड्रेज कर रखा है सर, तभी तो अनम्यूट का मैंने दे दिया उनको, और वो पता नहीं कहाँ गायब है।
संजय कुमार, संजय भाई कैसे हैं? और बाप रे 11:30 बज गए, बहुत टाइम हो गया सर जी, आज बहुत अच्छा हो गया। मीटिंग काफी लंबा चला है और वैसे काफी हेल्पफुल था नए यूजर के लिए पीटूपी के रिगार्डिंग। जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट किया सभी का थैंक्स, और काफी अच्छा एक नॉलेज का अपना जो सेशन होता है, और आज का सेशन काफी हेल्पफुल था। और पहला सेशन था जयराम भाई का, तो काफी अच्छा भी लगा है, पहला सेशन ही इतना अच्छा गया है, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट सेशन भी काफी अच्छा जाए। जी संजय भाई आप बताइए ना। नमस्ते सर जी। नमस्कार, पहले तो जयराम भाई के लिए बहुत बहुत बधाई फर्स्ट सेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू संजय भाई। नहीं सर जी, मैं वो बाइनेंस पीटूप के बारे में बता रहा था अपना ना, एक यूएसडीटी भी किधर जा रहा है वाला नहीं। जब भी आप परचेस करते हैं ना, एक बार नोटिफाई कंफर्म कर दिया ना, तो बाइनेंस उसको ऑटोमेटिकली लॉक करता है सर जी। उसका एक किसी को डरने का एक भी जरूरत नहीं है, किधर भी नहीं जाने वाला। मैं बहुत मेरे बहुत लोग दोस्त लोग को लेके देता हूँ, मेरा अभी तक एक बार भी नहीं फंसा है, तो इतना डरने का कुछ जरूरत नहीं सर जी उसको। सही बात है, बिल्कुल। वो कभी कुछ लोग गलतियां करते हैं। मैसेज आया है, अखिलेश कुमार हैं, अखिलेश भाई पूछ रहे हैं बाइनेंस कितना सेफ है। जी जयराम भाई। बाइनेंस सर वर्ल्ड में नंबर वन बन गया है 2017 में आके अगर कोई वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में छा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उससे वो कितना सेफ है, और उसकी सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रांग है सर। तो बिनांस एकदम मैं तो बोल रहा हूँ 10,000% सेफ है, 10,000%। जी, और उसका एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैंने कल ही दिया था टेलीग्राम पे, अगर आप अवेलेबल हैं तो ये देखिए, बहुत बड़ी चीज है ये। बिल्कुल सर। The government of Pakistan announced Binance as a official partner for Future Fest 2020. क्या बात है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जबरदस्त। अब आप खुद समझ सकते हैं भाई कि Binance कितना सेफ है। बाकी इसके रिगार्डिंग आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं Binance के रिगार्डिंग कि कितना वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है, सर्विस और सिक्योरिटी के मामले में अच्छा है, अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसलिए नंबर वन है। 25-30 साल पुराने एक्सचेंज हैं और उनको पीछे छोड़ के आज की डेट में नंबर वन चला है, और नजदीक भी नहीं है कोई, मतलब कोई नजदीक होना तो भी की बात करें, लाइक जैसे कैसे 9.9 उसका रेटिंग है सर, 9.9। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाइए और एक्सचेंज में जाइए, एक्सचेंज में जाके स्पोर्ट में जाइए, और यहाँ पे आप इसका एक बार वॉल्यूम चेक कीजिए भाई। ये वॉल्यूम होता है, पहले नंबर का तो बाइनेंस, सेकंड नंबर का कॉइन बेस है, इसका वॉल्यूम का डिफरेंस ही आप चेक कर लीजिए, कोई नजदीक ही नहीं है। सेकंड नंबर का भी एक्सचेंज नजदीक नहीं है। ये सर क्वाइन इस पे भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर जो नए यूजर है वो जाके खाली गूगल पे बोल दें कि माइक चालू करके गूगल का कि वर्ल्ड नंबर वन क्रिप्टो एक्सचेंज, तो झट से पहले बाइनेंस से आ जाता है निकल के। हाँ, वो गवर्नर वो पूछ रहे हैं भाई, इनका शायद मालिक के बारे में पूछ रहे हैं भाई। आप सर्च करना, ट्विटर पे जाना, सीजी बाइनेंस उनका खुद का ऑफिशियल है, बाइनेंस के बारे में ट्विटर यूट्यूब आप भी काफी सर्च कर सकते हैं, और इसके बारे में जाएंगे तो काफी लंबा और मीटिंग हो जाएगा, 11:30 तो बज चुके हैं। ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन था आपसे, मैं जो आप बोल रहे थे कि कुछ अलग हट के आज बताइए, मैंने सोचा है, मैं खाली आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो मैं सही सोच रहा हूँ या गलत है। जैसे मान लीजिए रॉयल क्यू में 13 लाख यूजर है, बराबर,
हमेशा आप बताते हैं कि कोई भी क्वाइन की जब सेलिंग बढ़ जाती है, बाई लोग करने लगते हैं, तो वो मतलब पंप कर जाता है। तो मैंने एक चीज देखा है कि जब भी बीटीसी अपना पंप करता है तो बाकी इसके साथ वाले क्वाइन भी पंपिंग करने लगते हैं, राइट। तो अगर हम 13 लाख, जो 13 लाख की हमारे पास टीम है, अगर हम 13 लाख लोग मिलकर के रॉयल क्यू के अकेले टीम और सभी बंदे एक एक बीटीसी में एक एक ट्रेड लगा लेते हैं $300-400 का, तो कुछ फर्क पड़ेगा उसकी सेहत को कि नहीं, कुछ पंपिंग होगा? देखिए, रॉयल क्यू क्या करता है, ट्रेड लगाता है, बाइंग डाला, फर्क तो पड़ेगा ना, 13 लाख यूजर है। अगर तो कोई 13 लाख अकाउंट से $10-10 का ही बीटीसी बाय होता है जी, तो बाइंग प्रेशर बढ़ेगा ना जी। तो इसलिए तो सर मैं कल से ही बहुत सोच रहा हूँ, थोड़ा उतावला हो गया कि अगर इसको बड़े मंच पे बताया जाए कि भाई सब लोग अपने, बाकी लोगों पे तो अपने को कंट्रोल नहीं है, लेकिन रॉयल क्यू में जो हम 13 लाख लोग हैं, धीरे धीरे ही सही सबको बताया जाए कि हर एक बंदा बीटीसी में जरूर ट्रेड ले, बीटीसी में जरूर ट्रेड ले, और इसको हम लोग ही पंप कराएं और प्रॉफिट कमाएं। दबा उसमें क्या होगा, एक तारीख को टाइम फिक्स करो और फिर ट्रेड लगवाओ, एक तारीख और टाइम फिक्स करो, क्या होगा, हमने तो फिक्स कर दिया कि बाइंग लगाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी वेल होती है वो रेडी बैठी होती है हमारी बाइंग पे सेल करने के लिए, फिर धड़ाम से मार्केट को डाउन कर देंगी, फिर डिप में बाय करेंगी। अच्छा, ये बात। हाँ हेलो सर, सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी संदीप भाई। हाँ, मैं वो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, अभी जो बात चल रही थी रॉयल क्यू में, जो अपना अपलाइन है उसने अकाउंट डिलीट कर दिया, तो उसका क्या होगा? तो मुझे लगता नहीं सर जी की अपना अकाउंट तो पहले खुल जाता है ना, तो अपन मेल आईडी और अपना पासवर्ड डालते तो अपने आप खुल जाएगा, अपना अप्लायंस का और उसका कुछ रहता है क्या कुछ? मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने पहले ही बताया तो कुछ हो जी, सोचे तो हो सकता है कुछ बग का इशू होगा उनका, नेटवर्क क्योंकि बग का इशू रहता है तो उसे कुछ एरर आ सकता है, जो टेंटेटिव रहता है अप्लायंस का, उसका कुछ इशू रहेगा तो फिर अपना अपना तो अपना अपना तो कुछ ऐसा ऑप्शन अगर रॉयल क्यू में आ जाएगा तो ये एक दूसरे को लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे, नहीं तो नीचे को ब्लैकमेल करते रहेंगे, वो मैं मेरा कर दूंगा रहेगा, और रॉयल क्यू को मेल डालेंगे तो 110% उन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हमें मतलब लग रहा है। चलो, काफी 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया भाई, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो मैटर था वो अपने आज डिस्कस कर लिया है, तो लेकिन सर अकाउंट एक का ओपन नहीं हो रहा है, चार लोगों का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है ना सर, एक के रॉयल क्यू में बग आ सकता है, चार लोगों के रॉयल क्यू में बग कैसे आ सकता है? हाँ, उसके रिगार्डिंग कल डिस्कस करते हैं, फीडबैक लेके एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखे क्या सर जी? वो करके देख लिया। ठीक है, ठीक सर, इसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है सर, इसका सॉल्यूशन मिले तो सर सबको बताना सर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। करते हैं, आज दिन में क्या था सदम भाई, आज दिन में क्लियर करने का था मन, लेकिन तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया तो उस वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया, कल जब भी मिलेगा करते हैं इसको और सभी दोस्तों के सामने करेंगे, बाकी अपने अपने वे में आप भी ट्राई कीजिए सभी लोग। यस सर, हो चुका है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर मीटिंग में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रॉयल क्यू की अर्निंग के साथ। थैंक्स ऑल, गुड नाइट, और थैंक्स अभी तक 11:30 दोस्त साथ में है, धन्यवाद, और काफी अच्छा आज टेक्निकल सेशन रहा, जो हम चाहते हैं दोस्तों को कुछ सिखाना, तो उस पर्पज से चाहेंगे कि काफी अच्छा सेशन रहा अपना, कुछ ना काफी लोगों ने इस आज की टेक्निकल सेशन से सीखा भी होगा, और सीखा है तो आप लाइव चल रहा है, लाइव में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, डाल सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी मिलेगा।
तो लाइव का लिंक आपको मिल ही जाता है, उस पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर, सेम टाइम सेम लिंक। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।